हम सभी गौ माता प्रकृति और संस्कृति की महिमा सुनने के भाव से इस सभा में उपस्थित हुए हैं। कुछ प्रश्न, कुछ विचार, कुछ संदेह, कुछ भाव आप भाई बहनों के मन में होंगे कि ये यात्रा क्या है, कहाँ से आई है, कहाँ को जाएगी। इस यात्रा का वास्तविक उद्देश्य क्या है, क्या लेंगे और क्या देंगे। संक्षिप्त में पहले आपको इस यात्रा का थोड़ा सा परिचय दे दूं। 4 दिसंबर 2012 को अर्थात 5:15 लगभग 5 वर्ष और 11 महीने पूर्व ये यात्रा प्रारंभ हुई थी हल्दीघाटी से। हल्दीघाटी जिसको कलयुग का कुरुक्षेत्र कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जहां पर धर्म की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप सिंह जी ने अपने सुंदर महलों को छोड़ दिया, खतरनाक कांटों भरे जंगलों में निवास किया, जमीन पर सोए, घास की रोटियां खाई, लेकिन अपनी मातृभूमि का और अपने धर्म का सिर उन्होंने शर्म से झुकने नहीं दिया। जहां पर वो ऐतिहासिक धर्म रक्षा का युद्ध हुआ, वहीं से ये यात्रा मेरे भाई बहनों 6.25 वर्ष पहले प्रारंभ हुई। 6.25 वर्षों में अब तक लगभग 50,000 किलोमीटर की दूरी को नंगे पांव पैदल तय करते हुए करीब 10,000 से भी अधिक गांवों, कस्बों, शहरों में गौ माता प्रकृति और संस्कृति की महिमा सुनाते हुए आज सुखराम बाबा की कृपा से आप सबके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस यात्रा के यूं तो छोटे बड़े कई सारे उद्देश्य हैं जिनकी चर्चा आगे सत्संग में करेंगे, लेकिन प्रमुख उद्देश्य है गाय माता के सदचरित्र को समाज के सामने रखना कि वास्तव में गाय माता क्या है। 800 बरस हम लोग गुलाम रहे थे, कुछ समय अंग्रेजों के, कुछ समय पुर्तगालियों के, कुछ समय मुगलों के और कुछ समय तुर्कों के। इन 800 वर्षों में धीरे धीरे करके हमारे दिल और दिमाग से गाय माता की दिव्य तस्वीर को मिटा दिया। जिस गाय माता को हमारे ऋषि मुनि मां कह के पुकारा करते थे, हमारे देश के गृहस्थ स्वयं भूखे रह जाते लेकिन गाय माता को कभी भूखी नहीं रहने देते थे, हमारे देश के क्षत्रियों के वीरों के शीश पर नहीं कट जाते लेकिन गाय माता को नहीं कटने देते थे, आज मेरे भाई बहनों उसी भारत भूमि पर गाय माता को पशुओं से भी नीचे का दर्जा दे दिया। अगर किसी को पूछो कि गाय क्या है, 3 दिन तो कहेंगे गाय हमारी माता है। एक तो सकरात के दिन जिस दिन पुण्य कमाना होता है, एक दिन गोपाष्टमी के दिन जिस दिन पूजन करना होता है, और एक दिन वस बारस के दिन जिस दिन बछड़े की पूजा करनी होती है। 3 दिन सिर्फ गाय हमारी माता है, बाकी 362 दिन हमको उस गाय माता में सिर्फ 4 पैरों का एक पशु नजर आता है। सामान्य तौर पर मेरे भाई बहनों देखें तो जिन गाय माता के चरित्र को भगवती सरस्वती जी भी कहने में समर्थ नहीं है, उस गाय माता को आजकल हम 4 लाइनों में बोल देते हैं कि काउ इज एन यूजफुल एनिमल, गाय तो एक उपयोगी जानवर है, दूध देती है तब लोग लगते हैं दूध देना बंद करे उसके बाद निकाल देते हैं। सचमुच मेरे भाई बहनों गाय माता का चरित्र बहुत ही अद्भुत है। धरती को कागज करूं करूं कलम बन रहा है, 7 समुद्र की स्याही करूं पर गौगुण लिखा न जाए। गौ माता की महिमा कहने का सामर्थ्य इस सामान्य चमड़ी की जीभ में नहीं है। बस कुछ बातें जो हमारे जीवन के दुखों को मिटा करके हमें आनंद में डुबो सकती है, वही आपकी सेवा में रखने का प्रयास करेंगे। हम आप लोगों को
ये बताने नहीं आए कि आप गाय माता को क्या खिलाए, वो आप सब जानते हैं कि गाय माता केवल मात्र घास खाती है। अगर आपकी कभी इच्छा हो तो थोड़ा बहुत दलिया आटा खा लेती है, बाकी गाय माता को कोई बात तो बादाम का हलवा खिलाने की जरूरत है और ना ही कोई दाल बाटी चूरमा बना के जिमाने की जरूरत है। वो कल भी घास खाती थी, आज भी घास ही खाएगी, लेकिन जानने की आवश्यकता यह है कि वो हमें दे क्या सकती है। जिस दिन हम लोग ये जान जाएंगे उस दिन हम सबकी तकदीर बदल जाएगी। बस वही बातें आपकी सेवा में रखने के लिए हाजिर हुए। एक छोटा सा प्रश्न, सबके तो नहीं लेकिन कुछ कुछ भाई बहनों के मन में हो सकता है कि क्या गाय की कथा हो सकती है? गांव तो अपना बहुत बड़ा है, कुछ लोग शायद इसी चक्कर से नहीं आए कि आने वाले भी बावले और लाने वाले भी बावले, डांडा ढोल की कोई कथा होवे, भागवत कथा करा देते, राम कथा करा देते, नानी भाई का मायरा करा देते या और कोई संत वाणी सुना देते तो समझ में आता गाय की और कथा, पागल हो रहे हैं सब लोग, डांडा ढोल की कोई कथा हो या करे। ये बात तो सच है मेरे भाई बहनों कि कभी किसी पशु की कथा नहीं हो सकती है, लेकिन गाय माता पशु है ये बिल्कुल भी सच नहीं है। शास्त्रों ने स्पष्ट कहा है कि तिलम न धान्यम पशुवत न गावह, गाय माता पशु नहीं, गाय माता प्राणी नहीं, गाय माता सनातन धर्म का प्राण है, गाय माता जानवर नहीं, गाय माता भारतीय संस्कृति की जान है, अपने वैदिक सत्य सनातन धर्म की शुद्ध पहचान है। और गहराई से अगर आप लोग अवलोकन करेंगे तो आप खुद ही पाएंगे कि गाय माता अवतारों की भी इष्ट है और देवताओं की भी भगवान है। आप सोचेंगे हमको तो गाय माता में भगवान नजर नहीं आए, इन चमड़ों की आंखों में इतनी शक्ति नहीं है मेरे भाई बहनों कि ये देवता को देख सके। चमड़े की आंखें भगवान ने हम लोगों को सिर्फ इसलिए दी कि घरबार परिवार संसार और दुनिया दिख जाए, देवता इनसे नहीं दिखे। आप स्वयं किसी भी मंदिर में जाके देखिए, चाहे छोटा सा बालक दर्शन करने के लिए आए, चाहे बहुत बुढ़े दादाजी दर्शन के लिए आए, जो भी मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं सामान्य तौर पर वो सबसे पहले दरवाजे को धोख लगाते हैं, अंदर जाके घंटी बजाते हैं और घंटी बजाने के बाद दोनों हाथ जोड़ करके भगवान के सामने आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं। यही करते हैं ना भाई, ऐसा क्यों? जब हम लोग घर से पैदल चले, पैरों को कष्ट दिया, समय को खराब किया तो आंखें तो खुली रख के दर्शन करना चाहिए था। आखिर हम लोगों को किसने सिखाया कि मंदिर में जाके आंख बंद करो? ना तो किसी ने ट्रेनिंग दी, ना कोई मंदिर के नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है कि कृपया आंख बंद करके दर्शन करें, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति आंख बंद करता है, क्यों? वास्तविकता यह है मेरे भाई बहनों कि हम लोग अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से कभी आंख बंद नहीं करते हैं। मंदिर में विराजमान देवता स्वयं हमें प्रेरित करते हैं कि बेटा इन दो चमड़ों की साधारण आंखों से तुम मुझे देखने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें देवता की जगह पीतल या पत्थर की मूर्ति नजर आऊंगा, भगवान की जगह थोड़ा रंग बिरंगा डिजाइन वाला भाटा सा नजर आऊंगा। इन दो चमड़ों की आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद कर और अपने हृदय की, मन की भीतर की आंख खोल करके देख तो तू मेरे भगवान रूप को जान पाएगा, ईश्वरी सत्य स्वरूप को पहचान पाएगा। तो मेरे भाई बहनों, चमड़ों की आंखों से कभी किसी को देवता दिखे नहीं, और हम लोगों ने सारी जिंदगी गौ माता को केवल मात्र इन दो चमड़ों की साधारण आंखों से देखने की कोशिश की, इसलिए वो 33 कोटि देवताओं को तन में लेकर के संपूर्ण जगत का कल्याण करने के लिए अपने एक रूप को अनेकों रूपों में विभक्त करके स्वयं धरती पर दुख लीला करके भी हम मानवों को सुख पहुंचाने वाली गौ माता महज 4 पैरों का साधारण पशु नजर आई। काश हृदय खोल करके देखते तो गौ माता के भीतर विराजमान 33 कोटि देवता प्रकट होकर अपने को दर्शन भी दे जाते और अपने जन्म जन्मांतर के दुखों को सदा सदा के लिए मिटा जाते। मैं मात्र आपको पहले 3 छोटे से प्रमाण दे रहा हूं, उन 3 प्रमाणों को सुनने के बाद आप लोगों को लगे कि सचमुच गाय माता में कोई अलौकिक शक्ति है तो आगे हम लोग और चर्चा करेंगे, और 2-3 छोटी सी बातें सुनने के बाद आप विराजमान सभी भाई बहनों को लगे कि हमको तो गाय में जानवर ही नजर आ रहा है तो फिर आपका कीमती समय खराब नहीं करेंगे, 5 मिनट में ही बात को पूरी कर देंगे। पहले 3 छोटी सी बातें भाव से सुने, एक विज्ञान से जुड़ी हुई,
एक व्यवहार से जुड़ी हुई और एक धर्म से जुड़ी। आजकल हर व्यक्ति विज्ञान को ज्यादा महत्व देता है, हर व्यक्ति की सोच रहती है कि साइंस जो कहे वही सत्य है, संत जो कहे वो तो फर्जी है। इसलिए मैंने पहले साइंस से ही शुरू कर रहा हूं। आप जितने भी भाई बहन इस सभा में बैठे हैं, आप में से किसी का भी बीपी अगर ज्यादा रहता, पहले केवल सेठ जी का बीपी बढ़ता था, आजकल तो किसानों का भी बढ़ने लग गया जब से ट्रैक्टर बढ़े हैं। हिंदुस्तान के 100 में से 30 लोगों का बीपी ज्यादा रहता है आजकल। आधुनिक मेडिकल साइंस कहता है कि डायस्टोलिक बीपी 80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और सिस्टोलिक बीपी 80 से 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो रोज आदमी को गोली खानी पड़ती है। जो लोग देसी दवाई पर भरोसा करते हैं वो लोग तो सर्पगंता गणवटी जैसी देसी दवाई खा के जीवन चलाते हैं, और जो अंग्रेजी दवाइयों के गुलाम बन चुके हैं वो लोग एनवास 25 या NAC 25 जैसी कोई कोई टेबलेट खा के अपनी जिंदगी को जीते हैं। कुल मिला के जिसका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है उस मानव को प्रतिदिन कोई न कोई दवाई गोली खानी ही पड़ती। एक दिन आप सुबह सुबह गाय माता की परीक्षा ले लीजिए। वैसे अधिकार तो नहीं है परीक्षा लेने का, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि गुरु शिष्य की परीक्षा ले सकता है, लेकिन अगर शंका ज्यादा हो तो शास्त्र कहते हैं कि फिर आप भी परीक्षा ले सकते हैं। रामायण में लिखा भी है कि जो तुमरे मन कछु संदेहु तो की निजाई परीक्षा ले, अधिक संशय होने पर परीक्षा ले लेनी चाहिए। सुबह सुबह एक दिन आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लो डॉक्टर जी से, कितना ज्यादा है कागज पर लिख लो, फिर आप सुबह सुबह गोली दवाई कुछ मत खाओ, सीधा यहाँ गौशाला आ जाओ। एक छोटी गौशाला आश्रम में भी तो है ना, बड़ी दूर होगी, छोटी वाली यहाँ पे भी तो है। एक गाय माता चाहिए, ज्यादा भी नहीं, पर थुई वाली होनी चाहिए देसी। आजकल वो नेशनल हाईवे की तरफ बिना स्पीड ब्रेकर वाली ऊपर से एकदम सपाट आती है ना जर्सी होलिस्टन, वो कोई गाय माता नहीं है, वो एक विदेशी वर्णशंकर आर्टिफिशियल अमेरिकन एनिमल है जिसको वैज्ञानिकों ने तैयार किया है, प्रकृति ने नहीं दिया। तो देसी गाय माता की पीठ पर 20-25 मिनट तक अच्छे से हाथ घुमाओ और फिर उनकी 11 परिक्रमा करके सीधे आप अपने डॉक्टर के पास जाओ। आपने कोई गोली नहीं खाई, कोई दवाई नहीं खाई, सिर्फ गाय माता को स्पर्श किया और उनकी परिक्रमा लगाई, मेरा दावा है उस समय आपका ब्लड प्रेशर 100% नॉर्मल मिलेगा ही मिलेगा। एक बार जांच कर लेना, और जब आपको पता लग जाए डॉक्टर के देखी नॉर्मल है, तब आप खुद विचार कर लेना कि जिस माँ की फेरी लगाने से, उसको सहलाने से ही अगर किसी का रोग नियंत्रित हो जाता हो तो उस रोग को काटने वाली वो माता भला पशु कैसे हो सकती। एक चीज छोटी सी व्यवहार की समझ लीजिए जो हमें अपनी आंखों से दिखता है। डॉक्टर वाली बात तो मशीन से पता चलेगी, लेकिन जो हमारी आंखों से सहज दिखता है वो एक छोटा सा विषय जो आप अनुभव में लाते हो रोज ही, वो समझिए। आप जो भी सज्जन विराजमान है, चाहे आप अपने घर का साधारण पानी पिए, चाहे फिल्टर का बोतल का पैकिंग वाटर पिए, चाहे गंगा जी जाकर के वहां का शुद्ध जल ला करके पिए, जल तीनों ही शुद्ध है। आपने वो शुद्ध जल पिया, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा या 5 घंटा वो आपके शरीर में रहेगा। विषय को ध्यान से समझना, शुद्ध जल हम इंसान के शरीर में 5 घंटा रहेगा, और 5 घंटे बाद जब वापस निकलेगा तो क्या बन के निकलेगा? दो ही चीज, या तो पसीना या पैसा, तीसरी कोई चीज नहीं बन सकता। गंगा जी के किनारे रहने वाले कोई सिद्ध महात्मा भी अगर गंगा जल पिए तो भी वो उनके शरीर से 5 घंटे बाद पसीना या पेशाब बन के ही निकलेगा, और जहां मानव मूत्र का त्याग करता है वहां कोई पैर रखना भी पसंद नहीं करता है। हम इंसान अपने शरीर को 84 लाख योनियों में सबसे ज्यादा अच्छा मानते हैं, लेकिन इस शरीर की गति देखिए कि गंगा जल पी के भी ये शरीर उसको इतना गंदा बना देता है कि वहां कोई पैर रखना भी पसंद नहीं करता। और जिन गाय माता को अज्ञानतावश हम लोगों ने आजकल सिर्फ एक साधारण पशु समझना शुरू कर दिया, अब उस गाय माता के शरीर पर नजर डालिए। आप संभ्रांत लोग, ज्यादा पढ़े लिखे लोग दूध के लालच से गाय माता को घर में रख तो लेते हैं, लेकिन दूध निकाला कि सुबह सुबह सड़क पर छोड़ देते, पानी घर से पिलाया नहीं, प्यास के मारे वो गाय माता किसी न किसी खेड़ी में जाकर जलते। खेड़ी कोई साफ करते नहीं रोज, कुत्ते भी मुंह डालते हैं, गर्मी के मौसम में कुत्ते नहाते भी हैं और कचरा भी गिरता है, कई प्रकार की गंदगी से सना वो गंदा पानी गाय माता पीती है।
वो पानी 2 घंटा 3 घंटा या 5 घंटा गाय माता के शरीर में रहेगा और 5 घंटे बाद जब वापस निकलेगा तो आप में से कई भाई बहन इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो पानी परम पवित्र गौमूत्र बनकर के निकलता है। जब किसी मंदिर में नई मूर्ति की स्थापना होती है तो विद्वान जन पहले गौमूत्र से उस मूर्ति को नहलाते हैं, तब जाके वो मूर्ति मंदिर में बैठने की योग्यता प्राप्त कर पाती है। बड़े बड़े संत तपस्या करने बैठते हैं तो गौमूत्र पी करके अंतर शरीर को शुद्ध करके फिर तपस्या करने बैठते हैं। विशेष अनुष्ठानों में मंदिर की मूर्तियों पर भी गौमूत्र के छींटे लगाए जाते हैं। और जब किसी मानव का रोग बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बड़े बड़े चिकित्सक वैद्य ठीक नहीं कर पाए, तो अंत में डॉक्टर जन ही सलाह देते हैं कि भैया कुछ दिन गौमूत्र पी लो, लाभ होगा। लोग पीते हैं और छोटी मोटी बीमारियां तो छोड़ दीजिए, कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों से ही गौमूत्र को पी करके ठीक होते हैं। तो अब आप ही विचार करिए कि हम लोग गंगा जल पिए तो भी उसको गंदा बना देते हैं, और गाय माता गंदा जल पिए तो भी उसको गंगा जल की तरह पवित्र और उपयोगी बना करके हम इंसान को सौंपती है। तो जिस माँ के शरीर में इतनी दिव्यता है, वो गंदगी को भी शुद्ध और उपयोगी बना करके इंसान को सौंप दे, वो पवित्रा तनधारी गाय माता, फिर पशु कैसे हो सकते। चलिए, आप सब धर्मात्मा लोग हैं तो एक धर्म का विषय भी समझ लीजिए कि धर्म क्या कहता है गाय माता के बारे में। भारत में तकरीबन सभी गांवों में भागवत कथा होती है। भागवत जी में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने 12 साल की उम्र तक जंगल में गाय माता को चराया, और जब तक कन्हैया जी ने गैया जी को चराया था, उन्होंने अपने पैरों में कभी जूतियां नहीं पहनी। आप में से कई सज्जन ऐसे होंगे जो पूरे घर में जूता चप्पल पहन के घूमते हैं। इस सभा में बैठी हुई कुछ पढ़ी लिखी माताएं बहनें ऐसी भी होगी जो रसोई में भी चप्पल पहन के रोटियां बनाती हैं। हालांकि रसोई घर तो माता अन्नपूर्णा के मंदिर के समान है, वहां कोई कांटा कंकर नहीं चुभता कि अपने को जूता चप्पल पहनने की जरूरत पड़े। सिर्फ फैशन के चक्कर से लोगों को लगना चाहिए कि वी आर स्टैंडर्ड पर्सन, मैं मोटा खानदान का लोग हाँ, ये दिखाने के चक्कर में, ये जताने के चक्कर में रसोई में भी हम लोग आजकल जूता चप्पल पहनते हैं। और भगवान कृष्ण जी ने जंगल में तक जूतियां नहीं पहनी, आखिर क्यों? मेरे भाई बहनों, शास्त्रों ने कारण बताया कि गोपा अष्टमी के दिन पहली बार, गोपाष्टमी थोड़े दिन बाद आएगी 15 तारीख दीपावली के बाद, गोपाष्टमी के दिन पहली बार कन्हैया जब गैया जी को चराने जा रहे थे तो उनकी मैया यशोदा जी ने जाते समय उनको बहुत सुंदर जूतियां दी। कहा, बेटा ये जूतियां पहन करके जाओ जंगल। कन्हैया ने आदर पूर्वक मना किया, मैया जूतियां तो नहीं पहनना। मैया ने समझाया, बेटा आप जंगल में जा रहे हो तो कांटे चुभेंगे, कंकर चुभेंगे, आपके सुंदर प्यारे कोमल पैर खराब हो जाएंगे। बहुत समझाया, फिर भी कन्हैया नहीं माने। अंत में हार करके, थक करके माता यशोदा ने कहा कि ठीक है लाला, नहीं पहन के जाओ, आपकी इच्छा, लेकिन हमको ये तो बता के जाओ कि क्यों नहीं पहन के जा रहे हो, आखिर कारण क्या है। कन्हैया ने उत्तर नहीं दिया, मैया से प्रति प्रश्न किया कि मैया आप प्रतिदिन हरि दर्शन के लिए मंदिर को जाती हो, आपके पास भी तो बहुत सुंदर जूतियां रखी है, फिर भी आप मंदिर में प्रतिदिन नंगे पैर जाती हो, पहले आप बताओ आप मंदिर में जूतियां पहन करके क्यों नहीं जाती, कारण क्या है। मैया ने कहा, रे बेटा मंदिर में अपने इष्ट देवता निवास करते हैं और अपने इष्ट के सामने जूते पहन करके जाना अपराध है। तो कन्हैया ने मुस्कुरा के अपनी मैया की ठुड्डी पकड़ के बड़े प्यार से समझाया कि मेरी भोली भाली प्यारी मैया, गैया भी तो अपनी इष्ट है, जब मंदिर में बैठे इष्ट के सामने जूतियां पहन के न जावे तो वो 33 कोटि देवता को तन में लेके संपूर्ण जगत का कल्याण करने के लिए गौलोक से इस तरह धाम पर अवतरित होकर के स्वयं दुख लीला करके भी संपूर्ण विश्व को सुख पहुंचाने वाली गौ माता को चराने जाऊं तो बला में उनके सामने जूतियां पहन करके घूमने की हिम्मत कहां से जुटाऊं। अब विचार करिए, हम लोग भगवान कृष्ण जी को पूजते हैं और कन्हैया जी खुद ही गौ माता के पुजारी हैं, तो जिनको भगवान पूजते हो वो गाय माता भला पशु कैसे हो सकते। अगर श्री कृष्ण कन्हैया अपने इष्ट है तो गौ माता अपने लिए अति इष्ट है, महा इष्ट है, वो पशु या जानवर कभी नहीं हो सकता। और हम लोग दादू जी के आश्रम में बैठे हैं, आप दादू वाणी पढ़ करके देखिए, एक नहीं सैकड़ों जगह गाय माता का उल्लेख दादू जी ने भी कामधेनु के रूप में किया। लेकिन ऐसी गाय माता जिसको भगवान भी पूजते हैं, जिसके मूत्र में भी औषधि है, जिसको विज्ञान भी मान चुका है, आजकल हम लोग केवल मात्र उसको पशु समझ करके उसके साथ पशुओं से भी ज्यादा हल्का व्यवहार कर रहे हैं, हिसाब लगाते हैं दूसरे जानवर से,
कि बाबा जी बातें तो सब चौकी है लेकिन गाय दूध कम देवे जर्सी दूध अधिक देवे गाय दूध पतलो देवे भैंस दूध गाढ़ो देवे गाय का दूध में फैट कोनी आवे भैंस के दूध में फैट ज्यादा आवे। बात तो सच है सजनों कि जर्सी दूध अधिक देती है और भैंस के दूध में फैट ज्यादा आती है, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि जब से आप इस भैंस की फैट के चक्कर में पड़े हो धीरे धीरे आपके शरीर की फैट तो बढ़ने लग गई है और माथे के फैटे पगड़ी उतर के गायब होने लग गए। भाई आगे आगे के केवल 5-7 लोगों के माथे पे पगड़ियां हैं, बाकी सब मोड़े माथे की हो गई। क्यों? पगड़ी का अर्थ केवल मात्र 5 मीटर का कपड़ा नहीं होता है, फेंटे पगड़ी का असली अर्थ होता है इज्जत। पहले अगर घर में कोई लड़का बदमाश निकल जाता और गलत काम करता, ऐसे लड़के को घर के बुजुर्ग बिठा करके अपनी पगड़ी फेंटा उसके सामने रख देते थे कि बेटा गलत काम मत कर, इसकी इज्जत रख। पगड़ी इज्जत का प्रतीक, आज इज्जत नहीं है इसलिए पगड़ियां नहीं है। आप कहोगे हमारी इज्जत कहां चली गई? आधे मिनट में समझा देता हूं एक प्रमाण के माध्यम से। आज से 40 साल पहले अपने विद्याद में कोई बुड्ढे दादाजी लकड़ी लेके धीरे धीरे रास्ते में से जा रहे होते और सामने से किसी भी उम्र की कोई माता बहन आ जाती, बुड्ढे दादाजी को देखती के 2 मिनट के लिए अपना साड़ी लुगड़ा अपना कपड़ा पकड़ के किसी दीवार के पास रुक जाती कि पहले दादाजी को निकल जाने दूं, मेरा कपड़ा भी अगर दादाजी को टच हो गया तो इनकी इज्जत खराब हो जाएगी। होता था कि नहीं होता था? आज अगर कोई बुड्ढे दादाजी जा रहे और सामने से कोई माता बहन आ जाए तो दादाजी को खुद ही अपना धोती पजामा पकड़ के चबूतरे पे चढ़ना पड़ता है कि पहले इन देवी जी को जाने दूं, नहीं तो देवी धक्का तो इज्जत का कांकरा कर जाएगी। क्या ये सच नहीं है? है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर इसमें दोषी कौन? सिर्फ माताएं नहीं सज्जनों, कहीं कहीं अपना पूरा समाज दोषी है। मैं आपसे ही पूछूं, अपने इस गांव में बिना माली की भैंसे कितनी घूम रही है? एक भी नहीं है। बिना माली के भेड़ बकरी कितने घूम रहे हैं? बिना माली के ऊंट कितने घूम रहे हैं? और बिना माली के बछड़िए टोकरिए गैया बैल सांड कितने घूम रहे हैं? बहुत घूम रहे। अब ये जितने भी घूम रहे अमेरिका इंग्लैंड या पाकिस्तान वाले तो नहीं छोड़ते, कोई चुरू झुंझुनू या सीकर वाले नहीं छोड़ के गए, अपने गांव के हैं। दूध दिया तब तक माता माता, और दूध देना बंद किया कि दे लाता और घर से निकाल दिया। भूख से परेशान वो गाय माता आखिर अपने पेट की आग को बुझाने के लिए किसी के खेत में घुसेगी। आप चाहे कितने बड़े भक्त हैं, 3 दिन अगर आपको भोजन नहीं मिले ना तो आप भी किसी के खेत में घुस के मतिरा तोड़ करके तो खा ही जाओ। तो गाय माता भी पंचभूतों का शरीर लेकर के इस धरती पर आई है तो उसका पोषण तो उसको करना ही पड़ेगा। भूख के मारे वो गौ माता जब किसी खेत में घुसेगी, अगला व्यक्ति फसल बचाने के चक्कर में उसको डंडा मार के भगाएगा, पत्थर मार के भगाएगा, कुछ अभद्र लोग गालियां बोल करके भी भगाते, तो कुछ राक्षसी वृत्ति के लोग तो वो कुल्हाड़ी दराती धारदार हथियार से घायल कर बैठते। एक तरफ तो हम भारतवासी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि गौ हमारी माता है, और दूसरी तरफ उसी माता को घर से बाहर निकाल के उसकी बेइज्जती करवा रहे। तो सीधी सी और सरल सी इस बात है सज्जनों कि जिस घर की मैया की इज्जत नहीं हो उस घर की संतान की इज्जत कौन करेगा? जब तक हमने गैया मैया को अपने आंगन में इज्जत से खूंटे से बांध के रखा तब तक अपने माथे पर इज्जत की पगड़ियां बंधा करती थी, जब से गैया को बेइज्जती करानी शुरू की उसके बाद हमारी इज्जत का भी सफाया होने लग गया। गाय माता की तुलना दूध से नहीं की जा सकती सज्जनों, दूध दे तो उस भगवती का प्रसाद समझ के स्वीकार करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। असल में गाय माता दूध के लिए नहीं, गाय माता दवा और दुआ के लिए चाहिए, और इस कलिकाल में दूध से भी अधिक जरूरत दवा और दुआ की है। आपके गांव में डेयरी की दुकान 2 होगी तो मेडिकल स्टोर 4 मिलेंगे और मंदिर 5 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि दूध कम चाहिए दवा ज्यादा चाहिए इसलिए मेडिकल भी ज्यादा है, और दुआ ज्यादा चाहिए इसलिए मंदिर भी ज्यादा है। आपको क्या लगता है मंदिर में आप भक्ति करने जाते हो क्या? 100 में से कोई 2 लोग भक्ति करने तो जावे तो भली, बाकी 98 लोग तो वो नारियल चढ़ा के हे भगवान कृपा कर जो गोडा गणा दुखे मत तो गणो दुखे, छोटकिया को ब्याह कोनी हो रही हो, मोटकिया की बिंदनी पीर बैठी, बिचटिया को तो इंटरव्यू में नंबर ही कोनी आ रही हो, और मार्बल को भी पूरा क्रेक निकल गयो और कहीं समझ में भी कोनी आ रही हो। आय माता से बड़ा कोई चलता फिरता औषधालय आपको इस समय भारत भूमि पर नहीं मिलेगा। गाय माता कैसी दवा देती है पहले मैं 2-3 प्रमाण दे देता हूँ, क्योंकि सीधा विश्वास आपको होगा। गुजरात में एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है जिसका नाम है जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। वहां के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त प्रोफेसर जिनका नाम है डॉक्टर गोलकिया जी, मई 2012 से लेकर मई 2016 तक 4 साल तक 400 देशी गाय माताओं के गौमूत्र पर 42 वैज्ञानिकों की टीम के साथ मिलकर के अनुसंधान किया।
मेरे भाई बहनों, उनकी रिपोर्ट विश्व के सभी प्रमुख अखबारों में प्रकाशित हुई, एक प्रति मेरे पास भी रखी हुई है। डॉक्टर गोलकिया जी ने स्पष्ट लिखा है कि एक लीटर देसी गाय माता के गौमूत्र में कुल 5100 तत्व होते हैं, जिसमें से 388 तत्व ऐसे हैं जो मानव की 176 तरह की बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण है मेरे भाई बहनों मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का, जहां के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कैंसर विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश जी भार्गव की रिपोर्ट कि अगर किसी को कैंसर हो गया तो गौमूत्र से बड़ी कोई दूसरी दवाई है ही नहीं। और वैसे अगर आप नागौर जिले में जानना चाहो तो भी कैंसर का इलाज नागौर जिले में कई लोगों का गौमूत्र का हुआ है। मैं आपके पड़ोस के एक दो उदाहरण दे दूं, मेड़ता सिटी के बिल्कुल जड़ से खत्म किया जा सकता है। और मैं मेरे खुद के जीवन का एक छोटा सा उदाहरण हूं, 18 साल पहले के मेरे जितने भी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्टर की जांच रिपोर्ट अगर आज आप किसी डॉक्टर को दिखा दो तो डॉक्टर देखते कि सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछेगा कि ये व्यक्ति अभी भी जिंदा है क्या। 22 गोलियां रोज की खाता था, उसके बाद बड़ी मुश्किल से उठ करके चल पाता था, और आज मैया की कृपा इतनी कि 14 साल हो गए गोली एक भी नहीं खाई, और पिछले 5.5 सालों में 10,000 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चल चुका हूँ। कितना ही दूर जाना हो पैदल ही चलता हूँ। वो उधर जो महाराज जी बैठे हैं उनको जैसे शक्ल पहचान नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि गुरुदेव के पधारने के बाद केस उतारने पड़े। मैं कुछ समय पहले यहाँ से होके गुजरा था, बहुत दूर मुझे किसी कार्यक्रम में जाना था तो पैदल गया, आप ही के आश्रम में रात्रि को रुका था, ध्यान में आ गया होगा। तो विचार करिए, पिछले दिल्ली भी गया हूँ तो पैदल गया हूँ, मुंबई भी गया हूँ, एक आंदोलन में दिल्ली जाना पड़ा तो भी पैदल ही गया और पैदल ही आया, रोज पैदल ही चल रहा हूँ। पहले घर में भी पकड़ के उठ के चलना पड़ता था किसी का सहारा लेके, 22 गोलियां खा करके भी चलने की हिम्मत नहीं थी, और 14 साल से गोली एक भी नहीं खाई और रोज चल रहे, कोई तकलीफ भी नहीं। एक संत ने कृपा करके 3 नियम बताए थे, उन्हीं 3 नियमों का चमत्कार कि भगवती गौ माता की कृपा से मस्ती से जी रहे। वो 3 नियम आप भी पालन करना शुरू कर दो, आपको अपनी बची हुई जिंदगी में कभी अस्पताल का दरवाजा नहीं देखना पड़ेगा। और नियम एकदम सरल, सुबह उठ करके आधा कप गौमूत्र को 8 तय किए हुए कपड़े से 8 बार बहुत अच्छे तरीके से छान करके खाली पेट पी लो, 1.25 घंटे तक ऊपर से दूसरा कुछ भी मत खाओ, जो भी खाना है 1.25 घंटे बाद खाओ। दूसरा काम, सुबह जब भोजन करते हो तो 1 गिलास गाय माता की छाछ जरूर पियो। भोजन जब हम करते हैं तो चाहे वो बादाम का हलवा खाओ, चाहे चटनी रोटी खाओ, पेट में जाने के बाद पचेगा तो खून भी बढ़ेगा और ताकत भी बढ़ेगी, और नहीं पचा तो विज्ञान कहता है कि 2.25 घंटे बाद वही भोजन आंत में सड़ना शुरू हो जाता है, गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, खट्टी डकारे आएगी, बीमार पड़ जाओगे। छाछ लीवर को ताकतवर बनाती है और लीवर प्रचुर मात्रा में पाचक रस छोड़ता है, जिससे अपना भोजन बहुत बढ़िया पच जाता है। इसलिए महाभारत में भी लिखा है कि तक्रम सकृष दुर्लभम, छाछ देवताओं के राजा इंद्र को भी दुर्लभ है, मानव तुझे मिली है तो पी ताकि तू स्वस्थ रहे। पहले हर घर में छाछ पीते थे, भादवे महीने के अलावा राजस्थान में तो मारवाड़ में तो कहावत भी थी कि भादवा में दही भूत खावे, मतलब भादवी का दही नहीं खाना चाहिए, हमारे पूर्वजों को पता था। वैसे मत्स्य पुराण में भी लिखा हुआ है ये कि भादवे में दही नहीं खाना चाहिए, और सामान्य विज्ञान का विषय है कि भादवे महीने में दही के अंदर बैक्टीरिया इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आंतों के खराब होने की संभावना रहती है। लेकिन भादवा महीना छोड़कर के 11 महीना जो मानव गाय माता की छाछ का प्रयोग करे सुबह के भोजन के साथ, उसका पाचन संस्थान इतना मजबूत रहता है, भोजन बहुत बढ़िया पचता है। इसलिए सुबह के भोजन के साथ छाछ पीना अनिवार्य है। और तीसरा काम, रात्रि को सोते समय देसी गाय माता का घी सिर्फ 1/2 चम्मच, लेकिन बिलोने का होना चाहिए, डेयरी के पैकेट का नहीं। डेयरी चाहे बाबा जी की हो, चाहे नेताजी की हो, चाहे सेठ जी की हो, चाहे प्राइवेट हो, डेयरी पर कभी घी नहीं मिलता है। डेयरी के पैकेट में सिर्फ क्रीम ऑयल होता है, दूध को सीधा हाई आरपीएम पर घुमा करके उसकी कच्ची क्रीम को प्रोसेस करके वो पैकेट में भर के आपको देते हैं, वो हार्ट की वेन को ब्लॉक करने का काम करती है। घी बनाने के लिए पहले दूध को गर्म करके ठंडा करके जमा करके दही बना के मथना पड़ता है, और मक्खन निकाल करके उसको गर्म करना पड़ता है, तभी बनता है घी। बाकी ये तो बातें ही घी, घर का दूध डेयरी पर और डेयरी का पैकेट घर पर, इसलिए आधी उम्र में मर रहे हैं। पहले 90 साल के कोई बूढ़े दादाजी अगर अपना सारा काम खुद ही करते, उन दादाजी को देख के लोगों के मुंह से एक ही बात निकलती कि दादे घी घनो खायोड़ो है दादो कड़क है कड़क। अब 50 साल की उम्र में कोई मर जाता है क्या कहते हैं, भाई साहब ने घी ज्यादा खाया इसलिए अटैक आया, राम नाम सत्य हो गया, क्योंकि असल में वो घी नहीं है भाई, वो कच्चा क्रीम ऑयल है जो आपको मारने का काम करेगा। देसी तरीके से समझ लो भाई, आप बाजरे की रोटी खाओ चाहे गेहूं की रोटी खाओ, अच्छी सेक के खाओगे तो शरीर मजबूत रहेगा, और 5 दिन कच्चे लोहे खा लो वैसे राम नाम सत्य हो जाएगा। तो आटा हो या घी हो, कच्चा तो आपको नुकसान ही करेगा, कम खाओ लेकिन बिलोने का घी खाइए। 1/2 चम्मच घी 1 गिलास गाय माता के दूध में डाल करके बढ़िया ऊंचा नीचा करके घोट करके पी के सो जाओ। सावधानी 3 रखिएगा, सावन महीने में दूध नहीं पिए, भादवे महीने में दही छाछ न ले, और एकादशी के दिन गौमूत्र का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करें। मत्स्य पुराण के 36वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा भी है कि श्रावणे वर्जयेत क्षीरम दधि भाद्रपदे सदा,
तो इन तीन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप इन तीन वस्तुओं का प्रयोग प्रतिदिन करना शुरू कर दे, एक वर्ष में आपके शरीर का रोग प्रतिरोधी तंत्र इतना मजबूत हो जाएगा कि छोटी मोटी बीमारी आपको लगेगी नहीं। पहले हर घर में इन चीजों का प्रयोग होता था, लोग कहां बीमार थे सज्जनों, 12 महीने में एक गोली लोग मुश्किल से खाते थे, आजकल दिन भर में रोटी एक मुश्किल से खाते हैं, बाकी गोलियां 10-12 चबा जाते हैं। इसलिए लौट करके आओ, शरीर को स्वस्थ रहना है तो गोमाता की शरण, और अगर पहले से कोई बीमारी चल रही है तो उसको भी गोमाता बहुत आसानी से मिटा सकती है। आइए कैसे मिटाती है, मैं एडी से लेकर चोटी तक की कुछ खास खास बीमारी बता रहा हूँ, पहले बड़ी बड़ी बीमारी बाद में बताऊंगा शाम को, अभी केवल छोटी छोटी जो रूटीन में बीमारियां होती है वो बता रहा हूँ। कई लोगों के पैर के तलवे में बहुत ज्यादा जलन होती है, सिर्फ 15 दिन में इस बीमारी को आप जड़ से खत्म कर सकते हो। काले धतूरे के बीज पंसारी की दुकान पर मिलते हैं, मारवाड़ में वैसे धतूरे बहुत पैदा होते हैं। काले धतूरे के बीज को कूट के चूर्ण बना लो, आधा चम्मच चूर्ण एक मुट्ठी गाय माता के गोबर में मिला के पैर के तलवे के नीचे बढ़िया मालिश करो, दूसरे पैर के साथ ही ऐसा ही करो, 10 मिनट मालिश करिए सुबह शाम दो टाइम, सिर्फ 15 दिन, 15 दिन में पैर के तलवों की जलन परमानेंट खत्म हो जाएगी। कुछ लोगों को एडी में बहुत ज्यादा दर्द होता है, सुबह सुबह उठ के पैर टिकता नहीं, अस्थि सोत नामक बीमारी के कारण होता है, मेडिकल साइंस में इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं, लेकिन गोमाता 25 दिन में आपको इस बीमारी से निजात दिला देगी। 300 ग्राम डली वाला नमक, जो बड़ा नमक आता है खड़ा नमक पिसा हुआ नहीं, 300 ग्राम नमक 3 लीटर देसी गाय माता के गौमूत्र में डाल के उसको हल्का सा गर्म करके एडी को सुबह शाम सेक करो, ठंडा हो जाए उसको रख दो, दोबारा उसी को काम ले लो, नया लाने की जरूरत नहीं। इस प्रयोग को केवल मात्र आप 25 दिन कर लीजिए, अस्थि सोत खत्म होकर के एडी का दर्द सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। जिन लोगों की मांसपेशियों में बहुत दर्द होता है, पैर में सड़प चलती है, नींद नहीं आती, पैर पटक पटक के सोना पड़ता है, शतावरी चूर्ण 1.5 चम्मच रात्रि को एक गिलास गाय माता के दूध के साथ और सुबह सुबह आधा कप गौमूत्र पिए, ये प्रयोग 45-50 दिन करिए, आपकी मांसपेशियां सशक्त हो जाएगी, दर्द नहीं रहेगा। जिन लोगों के घुटने काम नहीं कर रहे, लिगामेंट्स खत्म हो गए या गड्डी घिस गई या बाई आ गई है, चाहे कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता है और चाहे जॉइंट में दर्द होता है, इन तीनों बीमारियों का एक ही इलाज सिर्फ 90 दिन में, ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, 90 दिन में आप चलोगे क्या दौड़ोगे। देसी बबूल पर अभी फली आएगी थोड़े दिनों में, अंग्रेजी बबूल नहीं, देसी बबूल की नरम नरम फलियों को तोड़ करके सुखा दीजिएगा, 200 ग्राम देसी बबूल की पापड़ी, 200 ग्राम हल्दी, 200 ग्राम मेथी और 200 ग्राम सौंठ, इन चारों को कूट कर चूर्ण बना लीजिए, 2 चम्मच चूर्ण सुबह सुबह खाली पेट खाके 1 लीटर पानी में 1 कप गौमूत्र डालिए और 1 चम्मच लाल अरंडी का तेल जो मेडिकल स्टोर पर कैस्टर ऑयल के नाम से मिल जाता है वो डाल करके उसको गर्म करके गुनगुना गुनगुना पीजिए, और रात्रि को अश्वगंधा चूर्ण गाय माता के दूध के साथ लीजिए। ये दोनों प्रयोग केवल मात्र आपको 90 दिन करना है, 90 दिन में आपके घुटनों की जॉइंट की प्रॉब्लम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। जिन लोगों को मलत्याग के समय खून बहुत ही ज्यादा निकलता है, लेटरिन के समय ब्लीडिंग होती है, सरल उपाय 3 दिन में ठीक हो जाएगी, खर्चा कुछ नहीं, यहाँ नारियल की जटा बहुत पड़ी है, महाराज जी से पूछ के ले जाओ, थोड़ा सा नारियल की जटा को जला के राख बना दो, 1 चम्मच राख 1 कटोरी देसी गाय माता के दही में मिला करके सुबह सुबह 3 या 4 दिन खा लो, खून निकलना बंद हो जाएगा, सिर्फ 3-4 दिन का ही ट्रीटमेंट है बस। जिन लोगों को गैस बहुत ज्यादा बनती है, एसिडिटी रहती है, खट्टी डका रहती है, भोजन विधिवत नहीं पचता है, 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम लाल मेथी, 200 ग्राम छोटी हरड़, तीनों को 4 दिन के लिए गौमूत्र में डाल के रखो, 4 दिन बाद निकाल करके छाया में सुखा करके चूर्ण बना लो, आधा चम्मच भोजन से पहले और 1 चम्मच भोजन के बाद देना शुरू करो, आपकी आंतों से संबंधित पेट से संबंधित सभी समस्याएं शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। जिनकी किडनी के अंदर स्टोन है, मतलब गुर्दे में पथरी है, डॉक्टर जी ने ऑपरेशन का बोला है, 7 दिन की मोहलत गाय माता को दीजिए, ऑपरेशन मत कराइए, सोनोग्राफी करवा के देख लो कितनी बड़ी है, 2 या 3 पत्ते पत्थर चट्टे के चबा के खा लो, पत्थर चट्टा मिल जाता है आपको, ये जो पेड़ पौधे बेचते हैं नर्सरी वाले भाई, 50-60 रुपए का एक प्लांट आता है, कोई महंगा भी नहीं होता है, 2 या 3 पत्ते पत्थर चट्टे के चबा के खा के 1 कप गौमूत्र पी के 1.25 लीटर पानी पियो, सुबह शाम 2 टाइम प्रयोग करो, सिर्फ 7 दिन, 8वें दिन जाके सोनोग्राफी कराइए, डॉक्टर जी खुद ही बोल देंगे कि किडनी में स्टोन नहीं है, वो यूरिन मार्ग से ही पानी बनकर के शरीर से बाहर आ जाता है। जिनकी पित्त की थैली में पथरी हो, पित्ताशय में मतलब गॉल ब्लैडर में स्टोन, एक पौधा होता है जिसके लाल लाल रंग का फूल होता है, बोलिए नहीं माता, एकदम शांत बैठिए थोड़ी देर, फिर मैं सुन लूंगा, आधा घंटा एक्स्ट्रा बैठ जाऊंगा आपकी सुनने के लिए, अभी बोलेंगे तो दूसरों को नुकसान होगा। गुड़हल का फूल कहते हैं उसको, गुलदाउदी भी कहते हैं, 50-60 रुपए का पौधा आता है, ये भी मिल जाएगा आपको आसानी से, गुड़हल के फूल को सुखा करके चूर्ण बना करके आधा आधा चम्मच चूर्ण गौ माता के गौमूत्र के साथ कुछ दिन लीजिए, कुछ ही दिनों में आपका
गाल ब्लैडर की पथरी स्टोन है वो भी खत्म हो जाएगा। जिन लोगों को हार्ट में ब्लॉकेज है डॉक्टर साहब ने बाईपास सर्जरी का बोल दिया है, आप 3-4 महीना गाय माता की शरण लेके देखिए, एक कप गौमूत्र सुबह सुबह खाली पेट पिए, 10 पत्ते पीपल के पानी में अच्छी तरह उबाल करके उस पानी को पिए और रात को सोने से पहले 1 गिलास गाय माता के दूध में 2 चम्मच अर्जुन छाल का चूर्ण डाल करके पिए। ये तीनों प्रयोग धीरे धीरे आपके हार्ट के ब्लॉकेज को समाप्त कर देंगे। जिन लोगों को अस्थमा है, दमा, श्वास की बीमारी, सड़क के दोनों किनारों पर एक पौधा खूब उगता है अपने मारवाड़ में, जिसको हिंदी में कंठकारी कहते हैं, संस्कृत में लक्ष्मणा कहते हैं, राजस्थानी में भोरिंगनी कहते हैं और मारवाड़ी भाषा में उसको पसर कटाली कहते हैं। पत्ते पर पीले पीले कांटे होते हैं, छोटा सा बैंगन जैसा फल आता है और बैंगनी रंग के फूल होते हैं, जमीन पर चिपका हुआ रहता है, वो पौधा ऊपर नहीं उठता, जमीन पर ही फैलता है। शनिवार के दिन पानी डाल के रविवार को उस पौधे को उखाड़ लीजिए, धो करके कूट के चूरा बना लीजिए, 1 मुट्ठी चूरा आधा लीटर गौमूत्र में डाल के उबालिए, आधा रह जाए फिर छान लीजिए, उसके 3 हिस्से करके सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लीजिए, केवल मात्र 3 दिन में उसका असर दिखने लग जाएगा और 3 महीना ये प्रयोग कर लिया तो 30 साल पुराना दमा हमेशा के लिए परमानेंट खत्म हो जाएगा, आपको पंप खींचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आगे बढ़िए, जिनको खांसी बहुत ज्यादा चलती हो, अड़ूसा नाम का एक पौधा अपने राजस्थान में खूब उगता है, भाषा भी कहते हैं जिसको, पंसारी की दुकान पर भी मिल जाता है, 1 मुट्ठी ले आओ तो भी बहुत है। अड़ूसा का 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास गौमूत्र में डाल के उबालो, आधा रह जाए छान लो, आधा सुबह आधा शाम को 2 टाइम पियो, सिर्फ 4 दिन कैसी भी खांसी है खत्म हो जाएगी, 4 दिन। जिन लोगों के होंठ बहुत ज्यादा फटते हो, होंठ पर कुछ मत लगाइए, अगर आप धर्मात्मा है तो, पापी है तो कुछ भी लगा सकते हो, छूट। कारण, जितनी भी होठों को कोमल करने वाली क्रीम पेस्ट आते हैं ये सब एनिमल फैट से ही तैयार होते हैं। आपका ग्लिसरीन भी अगर आप समझ रहे हो कि कोई रसायन से बनता है तो नहीं, वो भी एनिमल फैट से ही तैयार होता है, मतलब जानवरों की चर्बी से। यथासंभव बची, अगर आप शाकाहारी है तो, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो कुछ भी करो, पर शाकाहारी लोग अपने होठ को फटने से बचाना चाहे तो उपाय बहुत सरल है, अगर ज्यादा फट गए तो 2 दिन थोड़ी सी मलाई लेकर के लगा दो, पर फटे ही नहीं, अगर पहले से सुरक्षा चाहते हो तो स्नान करने के बाद रोज 1-1 बूंद गाय माता का घी नाभि में लगाना शुरू करो, घी नाभि में लगाओगे आपके होंठ मुलायम रहेंगे, सर्दी में 4 महीने फटेंगे नहीं। जिन लोगों को डस्ट एलर्जी है, धूल मिट्टी उड़ती के छींके बहुत ज्यादा आती है, स्नान करने के बाद और रात को सोने से पहले दोनों समय 1-1 बूंद गाय माता का घी नाक में लगाना शुरू करिए, 3 दिन में असर आपके सामने होगा, कुछ दिन निरंतर करिए, समस्या समाप्त हो जाएगी। जिन लोगों के दांतों से खून निकलता हो, पस निकलता हो, पायरिया हो, बदबू आती हो, छोटी बेरी के जो पेड़ पौधे होते हैं, एक तो बड़ा पेड़ होता है वो नहीं, जो जाड़ी जैसा पेड़ होता है, उस जाड़ी बेर के पौधे की जड़ के छिलके को कूट करके गौमूत्र में उबाल करके 15-20 दिन तक कुल्ला करिए, दांतों की बड़ी से बड़ी दिक्कत कंट्रोल हो जाएगी। जिनकी आंखों में खुजली चलती है, जलन रहती है, लाल रहती है, इन्फेक्शन है, आधा बूंद शहद में 1 बूंद गाय माता का घी मिला करके काजल की तरह आंख में लगा करके सो जाइए, 7-8 दिन में आई इन्फेक्शन कंट्रोल होता है। जिनकी रोशनी कम हो गई है, कम होने के 2-3 कारण है, वो फिर विस्तार से मैं आगे बताता हूँ। जिनके सिर दर्द बहुत ज्यादा होता हो, 2 पत्ते तुलसी जी के, 3 दाने काली मिर्ची के कूट के आधा कप गौमूत्र में डालिए, फिर आयुर्वेद की 2 छोटी छोटी गोलियां आती है काले काले रंग की, जिनको कहते हैं सिर सुलादी वज्र रस, 2 गोली खा करके वो गौमूत्र पी लीजिए, 35-40 दिन ये प्रयोग करिए, आपका ब्रेन सिस्टम इतना समर्थवान हो जाएगा कि आघात सहने की क्षमता वृद्धि होने के कारण हेडेक हो गई। जिन लोगों को मेरे भाई बहनों बाल बहुत जड़ते हैं, डेंड्रफ है, खाली तिपाली ते समय से पहले सफेद हो चुके हैं, आपने दुनिया के सारे ब्रांडेड शैम्पू हेयर ऑयल के इस्तेमाल कर लिए फिर भी फायदा नहीं हुआ है, एक छोटा सा प्रयोग, भगवती गौमाता जी का आधा कप गौमूत्र लीजिए, उसमें आधा कप पानी डाल दीजिए, आधा चम्मच शिकाकाई का चूर्ण और आधा चम्मच आंवले का चूर्ण डाल करके 48 घंटे तक पड़ा, 48 घंटे बाद उसको मिला करके बालों में लगा करके आधा 1.25 घंटे बाद धो लीजिए। ये प्रयोग सप्ताह में 2 बार करें, कुछ दिन तक अगर आप करोगे तो बालों की दिक्कत वैसे ही समाप्त हो जाएगी। तो ये कुछ बीमारियां बताई मैंने आपको फिलहाल एडी से लेकर चोटी तक, बाकी चाहे कैंसर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, चाहे पागलपन हो, चाहे पैर लाई नहीं जाती, काम धोनू बनाई जाती, आप किसी भी सुनी घूमती हुई छोटी सी बच्चिया को बांध लीजिए, सुबह शाम प्रेम से उनकी सेवा करिए, 15-20 मिनट 24 घंटे में उसको हाथ भी घुमाइए, साफ सुथरी घास खिलाइए, साफ सुथरा जल पिलाइए, गर्मी में छाया में बांधिए, सर्दी में कुछ ओढ़ाइए और वार त्योहार उनको भी कुछ न कुछ मीठा गुड़ की डली खिलाइए। आप मातृत्व भाव से 2.5 साल तक अगर किसी गौ माता को घर में रख करके सेवा करो, 2.5 वर्ष में वो मैया कामधेनु स्वरूपा हो जाती है और आपकी सभी शुभ इच्छाओं को, उत्तम इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति, उत्तम इच्छाएं पूरी करेगी, हर कोई नहीं,
आप तो कल को 2.5 साल सेवा करके विचार करो कि मेरे पड़ोसी की टांग टूट जानी चाहिए, ऐसी इच्छा पूरी नहीं होगी। गाय माता सदैव भली इच्छा पूरी करती है, हमारी तो तमाम इच्छाएं मैया ने आज तक पूरी की, जो अच्छी अच्छी थी, हमने एक दो बुरी इच्छाएं की लेकिन वो नहीं पूरी की गाय माता ने, सदैव अच्छी इच्छाएं ही गाय माता पूरी करती। आइए कैसे आपकी इच्छाएं पूरी करती है, अलग अलग आयु वर्ग की इच्छाएं भी अलग अलग होती है। भाई इस सभा में ज्यादातर के भाई बहन तो है नहीं, दादा दादी हैं, कुछ नौजवान भाई हैं, कुछ बेटियां हैं, कुछ माता है। तो चारों तरह की इच्छाएं बता देता हूं मैं कि कैसे गाय माता पूरी करती है। सबसे पहली माताओं से ही चर्चा शुरू करता हूं। हर माँ चाहती है कि मैं माँ बनूं, लेकिन कुछ नारियां माँ नहीं बन पाती, कई कारण होते हैं। पिता में कमी हो तो भी माँ नहीं बन पाती है, खुद का पेट में कोई कमी हो तो भी माँ नहीं बन पाती है, कोई प्रारब्ध का दोष हो तो भी माँ नहीं बन पाती है। ऐसी स्त्रियों को लोग बाज कहना शुरू करते, शब्द अच्छा नहीं फिर भी कहते हैं, और बुरा मत मानना, कुछ महाज्ञानी लोग तो ऐसी औरतों का मुख नहीं देखते, प्रचार करते हैं साहब बांझड़ी को मुंडो देखा तो दिन बिगड़ जाते, ये सिर्फ अंधविश्वास है। किसी का भी मुंह देखने से न तो दिन सुधरता है और न दिन बिगड़ता है। हमारे अपने खोटे कर्मों से हमारा अपना दिन बिगड़ता है, हमारे अपने अच्छे भले कर्मों से हमारा दिन सुधरता है। लेकिन ऐसी सोच के चलते वो नारी और अधिक दुखी हो जाती है। ऐसी कोई भी महिला है जिसको शादी के 10-12 साल निकल गए हैं, उसने सारी कोशिश कर ली, डॉक्टर चिकित्सक नीम हकीम ओझा भोपा तंत्र मंत्र जादू टोना डोरा डांडा ताजी ताबीज बबूतरा कोड़ा साधु संत पेर पीर फकीर देव दियाड़ी कुछ भी बाकी नहीं रखा, और फिर भी अगर वो माँ नहीं बन पाई है तो एक छोटा सा उपाय, मेरे परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने महाभारत रघुवंश और आधुनिक विज्ञान इन तीनों के सामने से एक छोटा सा सूत्र बना करके दिया। हमारे पास ऐसे सैकड़ों लोगों की सूची है जिनको शादी के 20-20 वर्ष निकल जाने पर भी संतान नहीं थी, लेकिन आज भगवती गौ माता के आशीर्वाद से उनके आंगन में किलकारी गूंज रही है। कोई छोटा सा सूत्र आपकी सेवा में कराऊं, आज भले ही आपके बाल बच्चे हैं लेकिन कल को दिक्कत आ सकती है और आएगी भी, क्योंकि आजकल जिस प्रकार के कपड़े हम छोटे बच्चों को पहना रहे मोटे और टाइट, उससे दिक्कत आएगी। क्योंकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे को जींस जैसे मोटे कपड़े पहनाने पर उनको आगे पिता बनने में बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी होती है, क्योंकि 12 साल की उम्र जब बच्चों की होती है उस समय बच्चों के शुक्राणु को निर्माण करने वाले उत्तक टिश्यूज तैयार होते हैं, और उस समय अधिक मोटा कपड़ा पहनाने से उस बच्चे की वो कोशिकाएं कमजोर हो जाती है, इसलिए वो फिर पिता नहीं बनता। हमारे पुरुष पागल थोड़ी थे छोटे बच्चों को पोतरा पहनाते थे, 3-3 साल के बच्चे यूं ही घूमते थे, आजकल खुद की साड़ी खराब नहीं हो जाए इस चक्कर में वो प्लास्टिक के पोतरे पहना करके घूमती है मम्मी, उससे बच्चों को नुकसान हो रहा है। छोटे बच्चों को ढीला कपड़ा ही और पतला कपड़ा ही पहनाना चाहिए। इस प्रकार की समस्याओं का समाधान, कुल 4 समस्याएं हैं, चारों का समाधान बता देता हूं। अगर किसी पुरुष में डॉक्टर ने जांच करके बोल दिया कि शुक्राणु की कमी के कारण ये पिता नहीं बन रहा है, सिर्फ 3 महीने का इलाज है सर। एक कटोरी देसी गाय माता के दही में मूंग के दाने जितना खाने का चूना, फिल्टर लाइफ जो पान के पत्ते पर लगाते हैं लोग, वही चूना आप दही में डाल करके 3 महीने खाइए। आधा कप गोमूत्र सुबह सुबह पीजिए, और तीसरा काम, एक गिलास यानी कि लगभग 300-400 ग्राम देसी गाय माता के दूध में 7 चीजें मिला करके लेना है, अश्वगंधा, शतावरी, सालम, मिश्री, सालम, पंजा, कोच बीज, सफेद मुसली और केसर, ये 7 चीजों का चूर्ण बना करके गाय माता के दूध के साथ लीजिए। सिर्फ ये 3 प्रयोग 90 दिन कर लिए तो शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया वापस शुरू हो जाएगी और निसंतान इंसान पिता बन जाएगा। माताओं की 3-2 कमियां, कुछ माताओं के बच्चेदानी सिकुड़ जाती है, उसकी दीवार पतली हो जाती है या बहुत ज्यादा फैटी हो जाती है गर्भाशय की दीवार, ऐसा डॉक्टर लोग बोलते हैं। इसका उपाय तीनों का एक ही है और सरल उपाय है जो कामधेनु चिकित्सा चंद्रोदय में भी लिखा हुआ है। अपने घर में एक मिट्टी की क्यारी बना के उसमें बहुत सारे कपास के बीज बो दीजिए, रुई नरमा, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल दीजिए। 1.25 महीने बाद वो कपास के पौधे जब 9-10 इंच के हो जाते हैं, मुट्ठी में आए उतने पौधों को उखाड़ो, ऊपर की डंडियों को पत्तियों को तोड़ के अलग कर लो, नीचे की जड़ों को शुद्ध जल से धोकर के टुकड़े करके देसी गाय माता के दूध में पकाओ, जैसे खीर बनती है वैसे उबाल लो, ठंडा हो जाए खा लो, 1.25 महीने तक खाओ, 1.25 महीने बाद सोनोग्राफी कराओ। बच्चेदानी सिकुड़ी हुई होगी तो वापस बराबर आ जाएगी, अगर मोटी होगी तो पतली हो जाएगी, और ज्यादा पतली है तो जैसी प्रॉपर साइज चाहिए उसकी थिकनेस बन जाती है। दूसरी समस्या आती है कुछ माताओं के बच्चेदानी में इन्फेक्शन होता है जिससे ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। उपाय सुनोगे तो हंसोगे, फिर भी सुनाना तो पड़ेगा।
एक बुड्ढे बैल का मूत्र 18-20 साल का सांड हो उसका पेशाब मूत्र यूरिन एक बोतल में भरते रखो और सुबह शाम उस स्त्री को सुंघाओ। महाभारत के विराट प्रसंग में भगवान व्यास जी कहते हैं कि व्रत बैल का मूत्र सूंघने से बांझ स्त्री भी गर्भ धारण करने की योग्यता प्राप्त कर लेती है और वैज्ञानिकों ने इसको सच करके दिखा भी दिया। साइंस इस चीज को मानने लगा है कि बैल की उम्र जो जो बढ़ती है त्यों त्यों उसके मूत्र में अमोनिया सहित कुछ विशेष गैसें बढ़ने लग जाती है। वो गैस नासिका के मार्ग से फेफड़े में जाती है, फेफड़ों से रक्त उसको खींच करके बच्चेदानी तक पहुंचाता है जिससे वो इन्फेक्शन खत्म होकर के ब्लड ट्यूब भी री ओपन होकर के उस माँ को संतान प्राप्त करने की योग्यता दे देती है। इसलिए बुड्ढे बैल का मूत्र सूंघाइए। और अगर पति पत्नी दोनों के शरीर में कोई गड़बड़ नहीं है तो कोई प्रारब्ध का दोष हो सकता है, कोई साप या पाप दोष हो सकता है, उसका निवारण शास्त्रों में वर्णित है। एक देसी गैया मैया घर में ले आए, संतान के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, तो गौ माता लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पति पत्नी दोनों भाव से उस गाय माता की सेवा करो, उन्हीं गाय माता जी का आधा आधा कप गौमूत्र गंगा जल की धारणा करके पति पत्नी दोनों पिए और उन्हीं गाय माता की यथासंभव हो सके उतनी परिक्रमा करते हुए हरिवंश पुराण का पाठ करें। 2.5 वर्ष लास्ट समय सीमा है मेरे भाई बहनों, 2.5 वर्ष में पाप साफ समाप्त होकर के वो नारी माँ बनने की योग्यता प्राप्त कर। चलिए एक बार जयकारा लगाए, बोलो गौ माता की जय हो। आइए दूसरी बात बहनों की बता देता हूँ, फिर भाइयों की सेवा में हाजिर होता हूँ। बहनों के लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है विवाह। अगर गलत घर में शादी होगी तो पूरी जिंदगी बेटी की बर्बाद हो जाती है। जैसा कि आप लोग आजकल देख ही रहे हैं, अखबारों में आए दिन पढ़ते हैं, 4 दिन पहले भी आपने पढ़ा होगा किस्मत कुंवर नाम की बेटी को सिर्फ इसलिए जला दिया ससुराल वालों ने कि उनको बहुत माल चाहिए था, 40 तोला सोना और 3 लाख रुपए कम पड़ गए थे। ऐसा पति अपनी बेटियों को नहीं मिलना चाहिए। हर बिटिया का सपना होता है कि पति बहुत अच्छा मिले जो शराब न पिए, गांजा न पिए, भांग न पिए, गाली गलौज न करे, मारपीट न करे, जुआ ताश नहीं खेले, खुद भी इज्जत से रहे और हमको भी प्यार से रखे। ऐसा पति जिन बिटियाओं को चाहिए, वैसे तो तलाश के आजकल बहुत साधन है, अखबार में भी विज्ञापन आते हैं, परिचय सम्मेलन में भी बेटियाँ अपना परिचय देती है, कुछ बेटियाँ वो माउस पकड़ के इंटरनेट पर भी हस्बैंड सर्च करती नजर आती है। वैसे हस्बैंड तो बैंड ही बजाएंगे, न्याल नहीं करेंगे, लेकिन शास्त्रों ने एक सुंदर विधि लिखी है, प्रमाणित है, सैकड़ों बहनों पर वो प्रयोग किया है और सफल हुआ है। सिर्फ 77 दिन के अंदर अंदर निश्चित रूप से बहुत अच्छे घर से रिश्ते आते हैं, करो नहीं करो ये आपकी मर्जी, आते हैं। 9 दिन का एक छोटा सा व्रत करना होता है बहनों को, कोई खर्च नहीं, नई सूरत में कोई उद्यापन करना पड़ता, ना कोई दक्षिणा देनी पड़ती है, बिना किसी खर्च का 9 दिन का एक छोटा सा व्रत, जिसको भगवती सीता जी ने भी किया था और माता रुक्मिणी जी ने भी किया था। रामायण में एक प्रसंग आता है सज्जनों कि सीता जी के विवाह के समय महाराज जनक जी ने घोषणा कर दी थी कि धनुष उठाने वाला ही सीता का पति बन सकता है। धनुष उठाने के लिए रावण बाणासुर जैसे राक्षस भी आ गए थे, उन राक्षसों का आगमन सुनकर के सीता जी बहुत दुखी हो गई और अपनी मां से जाके प्रार्थना की कि मैया आप पिताजी को समझा के धनुष यज्ञ की इस प्रतियोगिता को निरस्त करवा दीजिए। माँ ने कहा अरे बेटा मैं आपके पिताजी को जानती हूँ, प्राण दे देंगे पर लिया हुआ प्राण छोड़ने वाले नहीं, तो माँ फिर मेरा क्या होगा, ये धनुष किसी राक्षस ने उठा लिया तो। थोड़ा सा विचार करके माँ ने कहा कि बेटा चिंता मत करो, जिस व्रत को मैंने करके विदेहराज जनक जैसे महान पति को पाया है वही व्रत आप करो बेटा, आपको बहुत अच्छा पति मिलेगा। सीता माता ने किया, इतिहास साक्षी ही कि राम जी से विवाह हुआ। रुक्मणी स्वयंवर कथा आपने सुनी हो तो उसमें प्रसंग आता है कि विदर्भ के राजा भीष्मक की कन्या थी रुक्मणी जी, और रुक्मणी जी के बड़े भाई का नाम था रुक्मी। रुक्मी का दोस्त था शिशुपाल, अपनी खुद की दोस्ती को मजबूत करने के चक्कर में अपनी परम धर्मात्मा बहन की शादी उस महापापी शिशुपाल से तय कर दी। आपने से कईयों ने यह प्रसंग सुन भी रखा होगा। जब पता चला रुक्मिणी माता को तो रुक्मिणी माता दुखी होकर अपने गुरुदेव जी की शरण में गई कि प्रभु माता पिता तो सुनेंगे नहीं, आप ही पालनहार हो और खेवनहार हो, आप कृपा करके उस पापी से पीछा छुड़ा दीजिए क्योंकि उस पापी के संग से तो मेरे जीवन का ढंग और रंग ही पापी हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा बेटा चिंता मत करो, जाके गौरी उपासना करके गौ माता का व्रत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। रुक्मिणी माता ने गुरुदेव की बात को मानकर उस प्रयोग को किया। इतिहास साक्षी की सबरी भली महापापी शिशुपाल से हुई लेकिन शादी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण गोपाल से हुई। वही व्रत आप बहनों को करना है। सभी भाई बहन सुने, जिनकी बेटियां नहीं आई वो घर आप जाके बताएं, क्योंकि जमैसा अगर जमदूत जेड़ा मिले तो दुख तो आप नहीं पहुंचे लो ही पहुंचे लो, इसलिए अपनी अपनी बेटियों को सभी बताओ। एकदम सरल सा व्रत है, सोमवार सोमवार को करना है, सिर्फ 9 दिन करना है। बीच में एकाध सोमवार छोड़ने की आवश्यकता पड़े तो बिटिया छोड़ भी सकती है। सोमवार के दिन बिटिया सुबह जल्दी उठे, उठ के स्नान करके गाय माता जी के गोबर के कंडे की राख से लोटे को साफ करे, दूसरी चीज से नहीं, गोबर के कंडे की राख से अधिक पवित्र कुछ है ही नहीं। आजकल सारे बर्तन आप वो विम्बार वगैरह साबुनों से मांजते हो वो हानिकारक है, क्योंकि वो केमिकल कहीं कहीं थोड़ा बहुत भी रहेगा तो भोजन के साथ शरीर में जाएगा, और गाय माता के गोबर के कंडे की राख रह भी गई तो नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि बीमारी में तो लोग भस्म खाते हैं,
किडनी का इन्फेक्शन खत्म होता है भस्म से। जैन संत जितने भी होते हैं वो बिना राख डाले पानी तक नहीं पीते, क्यों? विज्ञान ने साबित कर दिया उसका फायदा क्या है। पहले तो लोग सोचते थे कि शायद तंत्र मंत्र होगा, लेकिन तंत्र मंत्र नहीं, उस रात में विज्ञान है। साइंस कहता है कि वातावरण में, वायुमंडल में ऑक्सीजन केवल 21% होती है, लेकिन गाय माता के गोबर के कंडे की रात में 46.8% ऑक्सीजन होती है, जो शरीर की कई बीमारियों को खत्म कर देती है। और गोबर पवित्र तो होता ही है सज्जनों, गंदी से गंदी जगह पर लेपन कर दो तो वहां तो पूजन हो सकता है। और संपर्क जनित कोई अशुद्धि हो तो अग्नि में जलने के बाद राख और ज्यादा पवित्र हो जाती है। गाय माता के गोबर के कंडे की राख से लोटे को साफ करके उसमें शुद्ध जल भर ले, बिना गर्म किया हुआ थोड़ा सा कच्चा दूध उसमें मिला ले, उस दूध मिले हुए जल को भगवान भोले बाबा जी की मूर्ति पर चढ़ा के माता पार्वती जी का ध्यान करके घर आ जाए। घर आके गाय माता की नौ परिक्रमा करे, घर में नहीं है तो गौशाला चले जाए कुछ गुड़दलिया लेकर के, और उन गौ माता की नौ परिक्रमा करते हुए रामचरित्र मानस की उस चौपाई को नौ बार बोले जिस चौपाई को भगवती सीता जी ने राम जी से शादी करने के लिए बोली। रामचरित्र मानस के सीताराम जी विवाह प्रकरण में वो चौपाई लिखी हुई है, बोल के भी बता देता हूँ। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। इस चौपाई को नौ बार बोलना है। और खाने पीने में पूरे दिन में केवल तीन चीजें, सुबह उठ के अंदर के शुद्धिकरण के लिए एक घूंट गौमूत्र पीना है, दिन में दोपहर को गैया जी का दही या छाछ लेना है, और रात्रि को सोते समय गाय माता का दूध लेना है। इन तीन चीजों के अलावा सोमवार के दिन बहनों को जल भी नहीं पीना है, आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। केवल मात्र इन तीन चीजों पर रह करके जिस बिटिया ने नौ दिन का व्रत कर लिया, अगर पंडित जी उसकी जन्म कुंडली में या उसके हस्त रेखा देख के बता रहे कि इसकी शादी देरी से होगी, दुष्ट से होगी, मारपीट करने वाले से होगी, विरुद्ध विचारधारा के व्यक्ति से होगी, सारे ही भगवती गौ माता की कृपा से बदल जाएंगे। और 11वां सोमवार आने से पहले पहले स्वयं चल के बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आएगा और तय हो जाएगा। माता पिता को अलग से कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता गौ माता नहीं करने देगी। चलिए आगे बढ़िए, अब आता हूँ भाइयों की सेवा में। अंत में दादा दादी की बात करता, भाइयों के लिए वैसे तो कई सारी बातें हैं, लेकिन अभी छोटी सी एक बात ही बताऊंगा क्योंकि समय हो चुका है। व्यापार, दिवाली आ रही है, धनतेरस को बच्चे निकले हैं, कर्जा चुक जाए, परेशान नहीं होना पड़े, इसके लिए क्या करें? कुछ लोग धंधे बदल के, पहले माइंस ठेके पे ली, वो नहीं चली तो गैंग सा लगा दिया, हाँ उसको बंद करके क्रेन चलाने लगे, वो भी नहीं जमा तो फिर जैसी भी लाए और वो भी नहीं जमी तो बेच के हैदराबाद चले गए। ऐसा नहीं करना है, काम धंधा कोई भी एक करिए, चाहे दुकान करो, चाहे मजदूरी करो, चाहे फैक्ट्री लगाओ, चाहे खेती करो, धंधा सिर्फ एक करिए। धंधा बदलने से काम नहीं बदले चलेगा मेरे भाई बहनों, आपको कुछ और चीजें भी बदलनी पड़ेगी। सामान्य तौर पर लोगों की एक सोच होती है कि बुद्धि और मेहनत ये दोनों से ही पैसे कमा सकता है आदमी। ये चीज मैं भी मानता हूं कि ये दोनों चीजें चाहिए, लेकिन अकेली इन दोनों चीजों से भी पैसा अच्छा नहीं कमाया जा सकता। पैसे की आवश्यकता पग पग पड़ती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि खर्चे भी आप लोगों ने बढ़ाए हैं। मोबाइल में रोज बैलेंस चाहिए, गाड़ी में रोज डीजल चाहिए, बुजुर्गों की दवाई चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस चाहिए, दुनिया का दिखावा, लोकलाज का निभावा, आंख बंद करके खर्चे बढ़े। जितने रुपए में पहले बच्चों की शादी हो जाती थी, उतने रुपए में तो बच्चों का ब्यूटी पार्लर का खर्चा ही नहीं निपटता है आजकल तो। अब खर्च बढ़ेगा तो काम धंधा ठीक नहीं चलेगा, तो कर्ज बढ़ेगा, एक बार कर्ज ले लिया, समय पर चूक गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं चुका तो कई लोग उस कर्ज के चक्कर में आत्महत्या तक कर लेते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं आपको मंत्र बताऊं जो जपो और कोई पैसे पेड़ से गिरेंगे, ऐसा ना तो हुआ और ना होगा। वो दोनों चीजें भी चाहिए जिसके बारे में आप सोचते हैं, मेहनत भी चाहिए। कहा है कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावक नाही। आलसी आदमी तो कुछ भी नहीं पा सकता, हम भी मेहनत करते हैं, आप भी करिए, हमारे भी कोई पैसे आसमान से नहीं टपकते। दो घंटा मैं भी मजदूरी करता हूँ, मेरे परंपरागत कामकाज को संभालता हूँ, तब जाके कहीं यात्रा को संचालित कर पा रहा हूँ, आप भी करिए। मेहनत के साथ साथ बुद्धि का भी इस्तेमाल करिए, लेकिन इन दोनों चीजों को पहले आप दिमाग से ये निकाल दीजिए। जिन लोगों के दिमाग में घुस गया कि सिर्फ मेहनत से ही पैसा पैदा होता है, तो दुनिया के सारे गधे कब के अरबपति बन जाते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। सेठ जी से ज्यादा पैसा मजदूर की जेब में मिलता है, मजदूर बेचारा कितनी मेहनत करता है, सेठ जी जो केवल गए देखे आप पत्थर को चारों तरफ से देख करके पकड़ा के आ गए हैं कि चीरो बैठे बैठे, तो फिर उस चीरने वाले ने दिन भर मेहनत की, उसके पास माल ज्यादा मिलना चाहिए था। कुछ लोग कहते हैं सेठ जी में बुद्धि ज्यादा होती है, मजदूर में कम होती, तो अकबर में बुद्धि कम थी बीरबल से भी, लेकिन फिर भी माल उसके पास ज्यादा था। बुद्धि और मेहनत के साथ साथ तीसरी चीज चाहिए, कृपा। एक ही बाजार में तीन दुकानें, तीनों के पास एक जैसा माल, एक जैसी रेट, एक जैसा व्यवहार, एक समय दुकान खोलते एक समय बंद करते, लेकिन तीनों में अंतर दुनिया भर का, एक ही दाल रोटी चल रही है, दूसरा कर्ज में है और दूसरे के लाइन लग रही है, धंधा इतना चल रहा है कि बेहिसाब, तो कहीं कहीं एक कृपा का ही अंतर है।
तीन प्रकार की कृपा सज्जनों शास्त्रों में लिखी हुई है, गुरु कृपा, गोविंद कृपा, गौ कृपा। गुरु कृपा इस कलयुग में मेरे हिसाब से मुश्किल है, क्योंकि आजकल कौन शिष्य गुरु जी की आज्ञा का पालन करता है? 5 किलो केला और 500 की नोट से चढ़ा के सोचता है कि जाओ गुरु जी की कृपा हो जावली तो इससे कोई कृपा नहीं होगी। आपके 500 रुपए से आश्रम का खर्चा चल सकता है, आप 5 किलो प्रसाद लाए तो लोगों का पेट भर सकता है, उससे कृपा नहीं आएगी। कृपा के लिए गुरु आज्ञा का पालन करना पड़ता है। जैसा गुरु जी ने दीक्षा के समय आपको नियम बताए, उन नियमों को अगर आप खंडित नहीं करो तो ही गुरु कृपा संभव है। आजकल कौन पालन कर रहा है? 100 में से कोई एकाध पालन करे तो करे, बाकी केवल नाम के गुरु जी बना करके काम चलाते हैं। इसलिए गुरु कृपा मुश्किल है, गोविंद कृपा भी मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए मीराबाई सा जैसी भक्ति चाहिए, जहां मांग कुछ भी नहीं हो, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, बता मेरे श्याम में तुझे और क्या दूं, ऐसे भाव से कोई भक्ति करे तो गोविंद भक्ति होती है, वो भी मुश्किल है। लेकिन गौ कृपा सरल है, क्योंकि गौ हमारी, भोजन नहीं किया कल, थोड़ा जोर से बोलो ना, इतना क्या धीरे बोल रहे हो, गौ हमारी माता, और माता जितनी जल्दी कृपा करती है सज्जनों, दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं करता। छोटा बच्चा गोद में अगर दूध पी रहा होता है ना माँ का, वो दूध भी पिएगा, माँ के पेट में लात भी मारना चालू रखेगा, कोई माता दूध पिलाना बंद करती है? कभी बंद नहीं करती। जो लात भी खावे और दूध भी पिलावे उसी को तो माँ कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं साहब गाय को माता इसलिए कहते हैं वो दूध देती है, दूध तो बकरी भी देती है, उसको कोई माता कहता है क्या? अपनी विशेष कृपा के कारण गाय माता को माता का पद मिला है। तो मेरे परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने 6.5 वर्ष पहले मुझे एक देनु नाग कृपा सूत्र दिया था। सज्जनों जो भी मानव उसका पालन करता है, सिर्फ 3 मिनट ही लगते, मेहनत और बुद्धि के साथ साथ अगर उसका पालन करे तो कमी बिल्कुल भी नहीं आती। मैं मेरे जीवन का एकदम स्पष्ट उदाहरण रख दूं, मेरे गुरुदेव ने यात्रा निकालने से ठीक पहले एक सख्त निर्देश दिया था कि बेटा गौ माता की महिमा को जन जन तक पहुंचाना है तो 3 बातों का ख्याल तुम्हें रखना ही पड़ेगा। पहला, 31 साल तक किसी व्यक्ति के घर जाना मत, गौशाला, आश्रम या विद्यालय, इन 3 के अलावा प्रवेश के लिए अनुमति नहीं है गुरुदेव की तरफ से। 31 साल किसी की रोटी खाना मत और 31 साल किसी से दान लेना मत, खुद मजदूरी करना और उससे आई हुई आय से ही अपनी इस यात्रा को चलाना। हमने पूछा प्रभु ये तो असंभव है, 10-12 ब्रह्मचारी साथ में चलेंगे, 10-20 कर्मचारी साथ में चलेंगे, तनख्वाह कहाँ से देंगे, भोजन कहाँ से कराएंगे, कपड़े लते डीजल पेट्रोल कहाँ से आएगा, कहाँ मेहनत करो। मैंने पूछा प्रभु इतना तो समय ही नहीं मिलेगा, कहा ज्यादा समय नहीं मिले कोई बात नहीं, घंटा सवा घंटा अपने परंपरागत काम को संभालना, लेकिन उसके साथ 3 नियमों का पालन करना कमी नहीं आएगी। गुरुदेव की वाणी आज भी सत्य है, माँ की कृपा से कहीं हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 1.25 घंटा 1.5 घंटा मैं मेरे छोटे मोटे काम काज को करता हूँ और माँ की कृपा से इतनी आय पैदा हो जाती है कि और बच जाता है हर साल, वो फिर किसी किसी गौशाला के लिए काम आता है। कमी अभी तक नहीं आई है 5.25 सालों, और नियम छोटा सा ही है, मेहनत करनी ही पड़ती है। नियम सरल सुन लीजिए, आज से पालन शुरू कीजिए, मैया का चमत्कार 1.25 महीने में दिखने लग जाएगा आपको। सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठे, देरी से उठने वाले के काम का ये सूत्र नहीं है। जो 12-1 बजे तक तो टेलीविजन देखते हैं और सुबह 8 बजे तक बिस्तर में करवटें बदलते हैं, उनके लिए ये फार्मूला किसी काम का नहीं है। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उनके काम आएगा, ये पहले ही समझ लीजिएगा। नहीं उठने की आदत है तो उठने का तरीका मैं बता दूंगा। मैं भी पहले 8 बजे उठता था, अब 3 बजे अलार्म भी नहीं लगाना पड़ता, नींद उड़ जाती है, 3 बजे उठ जाता हूँ, 4 बजे का हवन शुरू हो जाता है। मैं भी दाब के आलसी था पहले, वो विधि आपको बता दूंगा आलसी मिटाने की। तो आगे अभी इतना समझिए कि सूर्योदय से पहले उठे, उठ के स्नान करके 3 लोटों को साफ कर ले, उनमें जल भर ले। पहले लोटे जल में थोड़ा सा देसी गैया का दही डाले, दही नहीं हो तो थोड़ी सी गुग्गल डाल सकते हैं, और उसको सूर्य भगवान को चढ़ाए। चढ़ाते समय एक मंत्र बोले, आदि देव नमस्तुभ्यम प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकराय नमस्तुभ्यम प्रभाकराय नमस्तुते। इसके 2 फायदे हैं, धार्मिक भी और वैज्ञानिक। सुबह उठ करके उस समय अगर सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो सूर्य की विशेष जो धर्मेष्टी किरणें होती है, सूर्य भले ही दिखाई नहीं दे लेकिन उनका प्रभाव शुरू हो जाता है और वो आलस्य भी मिटाती है, बुद्धि को भी तेज करने का काम करती है। इसलिए सुबह सुबह हमारे पुरुष सूर्य भगवान को अर्घ दिया करते थे। बाकी तो सूर्य जी को तो जितना जल चाहिए समुद्र से वैसे ही सौंप लेते हैं, अपने 1 लोटे पानी से उनको क्या होना है, उनकी प्यास अपने 1 लोटे जल से बुझने वाली नहीं है, लेकिन अपने को फायदा होगा। दूसरे लोटे जल में थोड़ा सा देसी गैया का दूध डाल करके और उसको भगवान भोले बाबा जी की मूर्ति पर चढ़ाए, उनके कंठ में विराजमान नाग देवता का ध्यान कर ले। तीसरे लोटे जल में
थोड़ा सा तिल के दाने डाल करके दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाए, अपने पितृपुरुष बाबा दादा जिनकी मृत्यु देहांत होगी उनके नाम से छोड़ दो, फिर घर आके घर में नहीं हो तो गौशाला में जाकर के गाय माता की पूंछ पकड़ के उनके चारों चरणों की तरफ देखते हुए प्रत्येक चरण में दो नाग और पूंछ में एक नाग, ऐसे कुल नौ नागों का ध्यान करते हुए एक छोटा सा नाग मंत्र नौ बार बोलना है। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा, इस मंत्र को नौ बार बोलना है। तीन लोटा पानी और तीन मिनट का समय, इसके अलावा कोई विशेष खर्च नहीं है, ना इस विधि में अलग से कोई दिया जलाना पड़ता, ना कोई धूपबत्ती जलानी पड़ती है। सवा महीने तक तो आप निष्काम भाव से करना, बीच में फायदा दिखेगा नहीं, ऐसा नहीं कि 22 दिन करके हिसाब लगाओ कि बेनिफिट नहीं हुआ, नहीं होगा। सवा महीने तक तो आप करते रहिए, जैसे सवा महीना निकलेगा आपको स्वयं को लगेगा कि आर्थिक चमत्कार हो रहा है, आपका इधर उधर दिया हुआ फंसा हुआ अटका हुआ रुका हुआ पैसा लौट के आने लगेगा, आपका बिगड़ा हुआ काम धंधा पटरी पर आने लगेगा। सवा वर्ष तक करते रहेंगे तो कर्जा चुकने लग जाएगा, और जीवन पर्यंत किया सज्जनों तो जिंदगी में आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता गौ माता नहीं पड़ने देगी। कुली को भी करोड़पति बनाने की शक्ति इस सूत्र में है, पर सावधानी चार रखनी पड़ेगी, इसको आदरणीय माताएं नहीं करें, माताओं के पास वैसे पहले बहुत सारे काम है, इसको पुरुष भाई ही करें। दूसरा, देर से उठ के नहीं करें, सूर्योदय से पहले करें। तीसरा, जिन गाय माता की पूंछ पकड़ के मंत्र बोल रहे हैं वो गाय माता देसी हो और उसकी सेवा आपके द्वारा हो, ऐसा नहीं कि आपके घर में दो जर्सी बंदी है और घूमती हुई गाय माता की पूंछ पकड़ के मंत्र बोल के आगे, ऐसा तो सौ बार बोलो तो भी फायदा नहीं होगा। स्वयं के द्वारा सेवित गो की गोपुच्छ गुच्छ पकड़ के उक्त सूत्र का अभ्यास करने वाला अभ्यासी निश्चित आर्थिक समस्या से मुक्त हो जाता है। अगर घर में व्यवस्था नहीं है, पूरा ग्रेनेड लगा दिया, तो फिर आप सवा किलो दलिया, 50 ग्राम गुड़ और थोड़ी सी घास लेके गौशाला जाओ, पहले किसी गाय माता को खिलाओ और फिर उसके बाद उसकी पूंछ पकड़ के मंत्र बोलो। सवा महीने में ही आपको निश्चित रूप से इसका अद्भुत लाभ दिखाई देगा। और चौथा और अंतिम नियम, अगर आप अफीम खा रहे हो, गांजा पी रहे हो, शराब पी रहे हो, तो फिर फायदा नहीं होगा, आपको नशा छोड़ना पड़ेगा। नहीं छूट रहा है, 7 दिन में छूट जाएगा। विधि बता दू, छोड़ने की इच्छा हो तो बताओ। है, घबरा चुके हो वैसे ही, कई लोग बर्बाद हो गए नशे से, अच्छा अच्छों की हवेलियां बिक गई। देखो, मानो मत मानो, नशे ने फायदा तो किसी को भी नहीं दिया, इज्जत भी जावे, शरीर भी बिगड़े, पैसा भी बिगड़े और परिवार भी बिगड़े, नशेड़िया की लुगाया छोड़न चलती है, दारूडिया के साथ रहने की करा ला, इज्जत तो दारूडियो की कोई करी को नहीं, क्यों तो दारूडियो ही को कई भरोसा ऐसी बात ही चले, और आधी उम्र में मर भी जाते हैं, और पैसे तो कैसे टिकेंगे आपको बताओ। नशे से तो वैसे ही बच के रहना चाहिए, पुरुष हो या महिला हो, सबको नशा नहीं करना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। बीड़ी सिगरेट तंबाकू पियो, चाहे शराब पियो, चाहे चाय पियो, नशा तो नशा ही है। कई माताओं को देखा मैंने, पति की शराब छुड़ाना चाहते लेकिन खुद उठ के 3 कटोरा चाय पीती है रोज, ये कैसे चलेगा भाई, पहले खुद छोड़ो। भाई आप 10 रुपए की चोरी करोगे, 1,00,000 रुपए की चोरी करो, भाई ये चोरी तो चोरी है, तो चाय पियो तो नशो, हरदारू पियो तो नशो ही है। नशे से तो यथासंभव हर स्थिति में आप बच के ही रहिए, लाभ होगा। चलिए, नहीं छूट रहा है तो छोड़ने का तरीका सुनिए, 7 दिन में छूट जाएगा। आपको नशा पेट नहीं मांगता, नशा दिमाग मांगता, याद रखना, तलब जो लगती है वो दिमाग का कमाल है सारा। जब भी आपके मन में किसी भी प्रकार का नशा करने की इच्छा हो, जेब में सिर्फ 2 चीजें डाल के घूमो, एक तो शीशी में थोड़ा सा गौमूत्र भर लो और दूसरा अपनी जेब में थोड़े से अदरक के टुकड़े डाल के रखो। जैसे ही नशे की इच्छा हो, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा मुंह में डाल के बारीक चबा लो और 2 ढक्कन गौमूत्र डाल दो। अदरक का रस, मुंह की लार और गौमूत्र जब तीनों मिलते हैं तो तीनों मिलते ही तुरंत सल्फर नाम का तत्व मुंह में पैदा करते हैं। वो सल्फर की गति इतनी तेज होती है कि सेकंडों में ही वो बुद्धि के उस हिस्से को निष्क्रिय कर देता है, शांत कर देता है जहां तलब पैदा होती है। अगर कोई शराबी शराब पीने जा रहा है, ठेके के पास पहुंच गया, आप उसको अदरक खिला करके गौमूत्र पिला दो, वो ठेके की जगह मंदिर पे आ जाएगा। 7-8 दिन याद रख के बार बार करना पड़ेगा, 7-8 दिन में धीरे धीरे वो हिस्सा इतना अधिक निष्क्रिय हो जाता है कि इच्छा बिल्कुल ही नशे की खत्म हो जाती है। तो इन 4 बातों का ध्यान रखते हुए आप इस नियम का पालन करें, निश्चित रूप से आपको आर्थिक समस्या का समाधान मिलेगा ही मिलेगा। और भी कई सारी बातें हैं जिनको बाद में बताएंगे, धंधे को लेकर के तो बहुत सारी बातें, कई लोग कहते हैं माँ को धंधो टोना टोटका सु बांध दियो, उन सब विषयों पर आगे चर्चा करेंगे। अब अंतिम बात दादा दादी की बता रहा हूँ, आप सभी सुने, आज नहीं तो कल सबको दादा दादी तो बनना ही है। मेरी प्रार्थना है कि सब लंबी उम्र पाए, आधी उम्र में कोई नहीं जाए। तो आइए, जिंदगी के अंतिम क्षणों में क्या होना चाहिए? थोड़ा सावधान होकर बैठ जाओ। हाँ, ये बहुत सावधानी की बात है, क्योंकि इंसान बने हैं ना, असल में प्रमुख उद्देश्य यही है,
सिर्फ ये खाना पीना नहाना धोना जीवन का उद्देश्य नहीं है, भोजन कुत्ता भी करता है, स्नान भैंस भी करती है, बच्चे बिच्छू भी पैदा करते हैं, मकान चिड़िया भी बनाती है, गीत कोयल भी गाती है, नाचता मोर भी है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आप शरीर की डिजाइन बदलते हो तो गिरगिट बिना कपड़ा बदले कलर बदल के अपनी डिजाइन बदल लेता है। ये सारे काम जानवर कर रहे हैं सर। मनुष्य जनन की सार्थकता सिर्फ इसमें है कि अंतिम समय में हम लोग मुक्त हो जाए। आप किसी भी मार्ग के अनुयायी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप राम जी को मानो, चाहे कृष्ण जी को मानो, आप चाहे कबीर जी को मानो, चाहे दादू जी को मानो, चाहे पलटू जी को मानो, सब अंतिम बात यही कहते हैं कि जीवन मुक्ति ही मनुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अब मुक्त होने का विषय यह तो बहुत लंबा है आत्मज्ञान का, लेकिन एक छोटा सा विषय कि मन में अगर दुनिया भर का मैन भरा है तो क्या जीव मुक्त हो सकता है। ज्ञान की बातें तो बहुत बात की है, लेकिन मन में अगर दुनिया भर का मैन लेकर के घूम रहे हैं, अगर हमारे मन में पाप है तो क्या हम मुक्त हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि मन को पवित्र रखने के लिए अन्न का पवित्र होना जरूरी है। हम भजन चाहे कितने करें, लेकिन अन्न का पाप खाएंगे तो क्या मन कभी पवित्र हो पाएगा? अपने देसी भाषा में भी किया करें कि जड़ो खाओ अन्न वेड़ो ही बने मन। आज सज्जनों, मन के मेल की क्या व्याख्या करूं, कितना मन में मेल बिड़ा है, क्योंकि जब तक मन में मेल नहीं था प्रेम भाव अपार। एक घर में चार भाई, चार के बच्चे, चार की पत्नियां, 24 लोगों का परिवार एक ही चूल्हे की रोटी खा के पूरी जिंदगी बिता दिया करते थे। आज इस सभा में भी कुछ दादा ऐसे बैठे होंगे जिनके घर में बेटा एक है फिर भी चूल्हे दो चल रहे हैं। दादा दादी रोटी अलग बेल के खा रहे, बेटा बहू लाइटर का बटन न्यारे ही दबा रहे। पड़ोसी के घर मेहमान आने पर भी आवाज लगाते थे कि आओ भाई जी रोटी खाओ, काई कोनी होवे तो छाछ तो पी के जाओ। आज अपने खुद के घर पे मेहमान आवे तो 2 घंटे ज्यादा रुक जाओ तो अपने को एनासिन टेबलेट खानी पड़ती, अपना ही माथा भारी हो जाता कि दादो 88 कदी जावे और शांति आवे। बुआ जी आते 5 दिन रह जाते, भतीजे के माथे पे सर नहीं पड़ता था। बुआ जी 6ठे दिन जाने का बोलते तो भी भतीजा रोकता था कि बुआ सा हुक्म 2 दिन तो और गिरा जो फूफो सा ने मुंह समझा देसी। आज बुआ जी सुबह 10 बजे आवे और 12 बजे रोटी गिरा के भतीजा खुद ही पूछ लेता है कि बुआ जी 88 तो था कि सीधी गाड़ी मलसी कोनी, मकराना तक मुंह जाई रूम पे तुम्हारा साथे बता सीधी रोड पकड़ा देसी फटाफट पहुंच जाओ। इतो ही तो प्रेम बचे भाई जी, जो प्रेम खत्म हुआ को मूल कारण मन में पाप का पड़ा, और मन में पाप बढ़ने का मूल कारण अन्न में पाप का बढ़ना। अब का आपको होगी कि हमारे अन्न में पाप कहां से बढ़ा? 3 जगह से। पहला तो बाजार भोजन का अधिक प्रयोग। बाजार में जितनी चीजें आ रही है आधी से ज्यादा पाप बढ़ाने वाली है। कई ब्रांडेड कंपनियां जो बिस्किट और चॉकलेट बनाती है उसमें घी की जगह चर्बी का इस्तेमाल होता है। बच्चों के जो छोटे छोटे पैकेट आते हैं ना आजकल खाने के, मिनी बर्गर, उनके ऊपर तो लिखा होता है मेड बाय बीफ, पढ़ते नहीं हम लोग और बच्चे खा रहे हैं। बाजार की चीजें पाप को बढ़ाए, यथासंभव घर पे पकवान में बने ज्यादा। दूसरा कारण, आप चाहे घर में भी भोजन बना रहे हो लेकिन 2 तरह के पाप उसमें भी देखेंगे। अन्न पैदा होता है सज्जनों खेती, और खेती कभी बिना कीड़ा मकोड़ा मरे होती नहीं। निराई गुड़ाई सिंचाई कटाई गहाई खेती का कोई भी काम करो, कीड़े मकोड़े मरते ही मरते। एक बोरी अनाज असंख्य जीवों की हत्या के बाद अपने घर में आता है। फिर आदरणीय माताएं बहने जब उस अनाज को आटा बनाने से पहले साफ करती है तो आप माताओं से भी एक अनजान में गलती हो जाती है। एक अकेली माता बैठती नहीं, सास बहू ननद भौजाई कोई कोई 2 बैठ के साफ करती है, और 2 मैया जब संग बैठ जाए तो राम जी का कीर्तन बहुत मुश्किल होता है। फिर थारी मारी अठीली बठीली पर निंदा में लग ही जाती है। और महापुरुषों ने कहा है कि पर निंदा सम अगन गरीशा, दूसरों की निंदा के समतुल्य कोई पाप नहीं। हमारे हाथ में जब अन्न हो और उस समय हम किसी पापी के पाप की चर्चा करना शुरू कर दे तो हम वो पाप हमारे अन्न में प्रवेश कर जाता है। जीव हत्या का पाप खेत से आया, निंदा का पाप हमने और मिलाया, ऐसे द्विगुणित त्रिगुणित अन्न के पाप को हमने खाया, इसलिए हमारे जीवन में पाप इतना बढ़ जाता है कि मन निर्मल नहीं हो पाता। इसलिए फिर मेरे भाई बहनों मुक्ति की संभावना समाप्त हो जाए। क्या करें कि हमारा अन्न पवित्र हो जाए? पवित्रता के लिए वैसे तो 2 साधन है मेरे भाई बहन, संग से भी जीवन पवित्र होता है,
कहा है ना कि गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीच ही मिले नीच कर संगा। मिट्टी का कण हवा का साथ करता है तो मंदिर पे बैठ जाता है, और यही पानी का साथ करे तो कीचड़ बन जाता है। गौ माता परम पवित्र है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शास्त्रों में कहा है नमो गोप्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्म सुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। गौ माता का दही दूध घी ही मानव के मन को पवित्र करने का काम करता है, और उसका स्पर्श भी इंसान को पवित्र करता है। घर में गाय माता रही तो आधा मन का मेल तो वैसे ही खत्म होगा। और दूसरा, अन्न को अगर पवित्र करना है तो दो साधन, एक तो खेत में बैल बाबा का पैर, सबके ट्रैक्टर आ गए ना, जब तक बैल थे अन्न में पाप नहीं था, इसलिए ये सब चीजें थी। आप कहोगे कि बैल महंगा पड़ता है, नहीं पड़ता है, बैल बहुत सस्ता पड़ता है। जितने रुपए की घास खाता है बदले में गोबर देता था, जो खेत में काम आता है, और ट्रैक्टर का डीजल बाजार से खरीद के लाना पड़ता है, आज दिन तक किसी ट्रैक्टर के साइलेंस में से गोबर निकलता हमने नहीं देखा, वो तो धुआं ही उड़ाता है और प्रदूषण ही फैलाता है। बैल से खेती सारी नहीं लेकिन थोड़ी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि बैल का पैर जहां लगता है वहां से धरती का पाप खत्म होता है। सज्जनों, बिना कीड़ा मकोड़ा मरे खेती नहीं होती, पाप तो खेत में रहेगा ही रहेगा। और बैल को साक्षात धर्म का रूप बताया, एक नहीं तीन उदाहरण दे देता हूं मैं आपको। भागवत जी के प्रथम अध्याय में लिखा है कि बैल धर्म का रूप है, जिस खेत में बैल का पैर लगता है वहां से धरती का पाप। शिव महापुराण में प्रसंग आता है कि भोले बाबा की शादी के समय जब घोड़ा लेकर के आए बारात ले जाने के लिए, तो भगवान ने खुद मना कर दिया सृंगी को कि बेटा घोड़े पे नहीं बैठूंगा। कि प्रभु क्यों? कि बेटा घोड़ा वासना का रूप है, मैं विवाह उपासना के लिए कर रहा हूँ, उपासना धर्म की होती है, धर्म का रूप है बैल, इसलिए लाओ तो मेरे लिए बैल लाओ, मैं बैल की पीठ पर बैठ के ही शादी करने जाऊंगा। आप सब जानते ही भोले बाबा ना दिया पर बैठ के। और तीसरा सरल उदाहरण, आप अगर की चींटी को भी मारो तो बोलो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? और भगवान भोलेनाथ तो सारे जगत का सहार करते हैं फिर भी उनको पाप नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि वो नादिया पर यानी कि धर्म पर सवार होकर के अपने कर्म को करते। तो आप अगर बाजार से अनाज खरीदते हो तो ऐसे किसान से खरीदो जो बैल से खेती करता हो। ये अपने मारवाड़ में बैल से खेती बंद हुई है सज्जनों। बाकी आप थोड़ा सा नीचे जाइए, वागड़ से लेकर के बांसवाड़ा से शुरू होता है, मध्य प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक आज भी खेती बैल से हो रही है। हम मारवाड़ वालों को ही भगवान ने थोड़ा पत्थर अच्छा दे दिया इसलिए बैल बेच दिया। सारा काम ट्रैक्टर से करिए, लेकिन कम से कम बीजाई बीजाई कोई एक काम भी अगर साल भर में बैल से होगा तो उनका पैर खेत में लगेगा तो पाप खत्म होगा। और दूसरा पाप खत्म करने का साधन सरल आप माताओं को बता देता हूं। आप जो रोटी बनाती है उसमें से पहले एक रोटी गौ माता को जिमाना शुरू कर दी। जिमाते हो कौन से नंबर की? पहली दे रहे हो तो फायदा नहीं होगा ना, पहली थोड़ी काम है ना, पहले कहा, मात्रा का फर्क है। पहली रोटी तो गाय माता को कभी देनी नहीं चाहिए, किसी शास्त्र में लिखा भी नहीं है। मेरे गुरुदेव की कृपा से मैंने चारों वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण, स्मृतियां, श्रुतियां, उपनिषद सबका अवलोकन किया, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है दादाजी की पहली रोटी गाय माता को। 800 साल पहले विधर्मियों ने यह दुष्प्रचार किया, पहले दो पहली मत दो, विषय उलझ जाएगा। मैं सरल कर देता हूँ, आपको आधे मिनट में समझ में आया कि पहली क्यों नहीं देनी चाहिए। गाय माता को रोटी देते क्यों है पहले यह समझिए, अपना अन्न पवित्र करने के लिए। अन्न पवित्र कैसे होता है? भाई आप बाजार से 1 किलो केले लाओ और घर में बैठ के पहले केले खा लो तो क्या कहोगे, क्या खाया? केला खाया। आप उस प्रसाद को दादू जी के स्थान पर ले आओ और जो बाबा जी की समाधि है, दो केले यहाँ भोग लगा दो और बचे हुए केले घर ले जाके खाओ, अब वो केले क्या कहलाएंगे? प्रसाद। बताओ प्रसाद में पाप रहता है क्या? नहीं रहता। तो शास्त्र कहते हैं कि गौ माता भी स्वयं सिद्ध भगवान है, जिसके रोम रोम में राम है, जिनके चरणों में 68 करोड़ तीर्थों का धाम है, जिनके तन में 33 कोटि देवताओं को विश्राम है, जिनके सींगों पर सारी धरती का भार है, जिनके गोबर में मैया लक्ष्मी जी का दिव्य आधार है, जिनके मूत्र में बहती कलकल भागीरथी गंगा जी की अद्भुत धार है, जिनके द्विकर्णों में देव वेद अश्विनी कुमार है, जिनके नेत्रों में सूर्य और चंद्र का प्रकाश है, जिनके कुकुट में दिव्य आकाश है, और जिनके स्तनों में समुद्र मंडल का सार है, जो चराचर देवी देवताओं के सभी के जीवन जीने का दिव्य आधार है, ऐसी सर्वदेवमयी गौ माता को अपने घर में हुई रोटियों में से पहले एक रोटी अगर गौ माता को जिमा दे तो बोलो 33 कोटि देवताओं को भोग लग गया कि नहीं, बचा हुआ भोजन प्रसाद ही हो गया कि नहीं हो गया? अब उसको खाएंगे तो पुण्य बढ़ेगा कि पाप बढ़ेगा? पुण्य बढ़ेगा तो मन का मेल मिटेगा कि नहीं मिटेगा? लेकिन ऐसा आप लोग नहीं करते, गलती आप ही दो कर रही है, मानो मत मानो। पहली गलती, कई लोगों को देखा है मैंने, पहली रोटी उठाई प्लेट में रख दी, बच्चों को खिला के स्कूल भेज दिया, पति को खिला के माइंस में भेज दिया, खुद ने भी खा लिया, दिन में गाय माता नजर आई तो दिया, और भूल गए तो वो सुबह वाली रोटी प्लेट में पड़ी पड़ी शाम तक सूख जाती है। बोलो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 4 केले पहले घर पर खा लो और फिर यहाँ मंदिर पे लाओगे तो भोग लगेगा क्या? नहीं लगेगा। हम खाएं उससे पहले जी बात,
और पहली मत जी मांग। आप कहोगे क्यों, उसका कारण भी आप ही के मुख से प्रकट करता हूं। 2 किलो केले लाए, 12 केले अच्छे निकले, 2 केले सड़े निकले, अब सड़ा हुआ केला चढ़ाओगे क्या? नहीं। और चढ़ा दिया तो भोग लगेगा क्या उसका? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि भोग किसका लगता है? अच्छी चीज का। तो रोटियां तो आप रोज ही बना रही हो दादी साहब, बताओ 50 साल हो गया था रोटी बनाता बनाता, पहल पौध की रोटी चौकी बने? जोर से बोलो माया, जोर से बोलो, कौन नहीं बने? पाचो हाथ भी यूं कर दियो और मुंडा भी सूख बोल दियो। आप भाई लोग भी कल ही ट्राई करके देख लो, जब घर पे रोटी बनती है उस समय खड़े होकर देखना, पहली रोटी कभी अच्छी नहीं बनती। सप्ताह में 4 दिन तो बिगड़ती, क्योंकि पहले पहले तवा वैसे ही गर्म बराबर नहीं होता, उसका टेम्परेचर अप डाउन रहता है। पहली रोटी कई बार कड़क हो जाती, कई बार कच्ची रह जाती, कई बार बढ़िया फूलती नहीं है। अब जो अच्छी को निकाची है, कड़क है, जली है, बड़ी है, घर वाला कौन खा लेते हैं, झगड़ो कर ला दे दो ढाई, टेंशन नहीं खत्म। ये तो निपटावन को साधे होना होगा भाई जी, प्रसाद को साधन का टॉस हो। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि जल्दबाजी मत करो, 2-3 रोटी सीख जाए, उसके बाद बढ़िया सी रोटी दे के थाली में रख करके घी गुड़ लगा के प्रेम से पहले गैया मैया को जिमाओ, बाद में आप लोग खाओ। तो नित्य 33 कोटि देवों का प्रसाद खाने से आपका अन्न पवित्र होगा, अन्न पवित्र होने से मन पवित्र होगा, और मन पवित्र होगा तो फिर कबीर साहब ने कहा है कि मन मेरो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, हरी मारे पाछे फिरे कहत कबीर कबीर। तुलसी बाबा ने भी कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन पवित्र हो जाएगा वही मुझे पा सकता है, दूसरा पा नहीं सकता। तो गौ माता का नित्य संग, बेल भगवान के द्वारा उत्पन्न अन्न और गौ माता को जिमा करके रोटी खाने के प्रभाव से हमारा मन पवित्र होगा, तो निश्चित रूप से मेरे भाई बहनों आगे आत्मज्ञान की सीढ़ी पर हम चढ़ पाएंगे और मुक्ति के मार्ग पर बढ़ पाएंगे। तो किसी न किसी रूप में गाय माता हम सब लोगों के लिए आवश्यक है। अभी तो समय पूर्ण हो चुका है, इसलिए अभी के सत्र को तो मंगल कामना के साथ विराम देंगे। पहले तो आप लोग जो जल के कलश लाए हैं, अपना अपना कलश अपने हाथ में ले लो। शेष भाई बहन आधे मिनट के लिए हाथ जोड़ लो, सिर्फ आधे मिनट के लिए। प्रभु इन सब भाई बहनों को उत्तम बुद्धिमती विचार भाव शक्ति दे, जब तक इस जगत में रहे भगवती गौ माता जी की मातृत्व भाव से शरण ले, तत् प्रभाव से उनकी साधारण बुद्धि प्रज्ञारी तमरा भूमा जैसी उत्तम स्थिति को छू करके गौ माता की अखंड अंतरदीता को समझ करके पूर्ण शरणागति ले, जिससे इनके जीवन में कोई रोग दोष क्लेश संकट नहीं आए, आधा बाधा इनको नहीं सताए, तंत्र मंत्र इनको तनिक भी प्रवाहित न कर पाए, धन धान्य वैभव आनंद सदा इनके आंगन में निवास करे, और जब जगत छोड़ करके जाने का वक्त आए देनु कृपा प्रभाव से इनको यमदूत न सताए, आप स्वयं इनके लिए विमान पहुंचाए, आप ही के परम पवित्र लोक में इन सबका निवास हो, इसी पवित्र मंगल कामना के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आरती होगी, आरती से पहले 2-3 आवश्यक सूचनाएं निवेदन कर दो। अभी समय अभाव में मैंने संक्षिप्त गाय माता का परिचय दिया है। गौ माता की कथा तो बहुत लंबी है, पूरी कथा तो 14 दिन में पूरी हो पाती है, लेकिन गाय माता से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें आप और समझ सको उसके लिए शाम को 2 घंटे का कार्यक्रम और। वैसे भी मैंने जानबूझ के भी छोटी छोटी बातें बताई है, क्योंकि गांव तो अपना बहुत है, परिक्रमा में 1 घंटा लग गया था, लेकिन ज्यादातर भाई बहन नहीं आए, इस चक्कर में नहीं आए कि बाबा जी लूट के ले जाएंगे, कुछ इस चक्कर में नहीं आए कि डांडा डोल की काय कथा सुनाए, कुछ इस चक्कर में नहीं आएंगे कि कार्यक्रम करवाने वाले कौन कौन है, उसे अपने नहीं बनती तो क्यों जाए। ये 3 चक्कर निकालो अपने मन से, आप प्रयास करोगे तो निकल भी जाएंगे, क्योंकि दिन में आप आधा घंटा का समय निकाल के अगर अपने पड़ोसियों को बताओ कि भाई गाय माता की महिमा तो अच्छी है, सुननी चाहिए, सबको लाभ मिलेगा, तो आपकी बात मान सकते। भाई जिन कार्यकर्ताओं ने आपको घर घर आके कहा इनको को हमको सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, ना इनको कोई तनख्वाह दे रहे, इन्होंने सिर्फ इसलिए आप तक सूचना पहुंचाई कि सभी को लाभ मिले। और हमारी संस्कृति कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, तो सब आएंगे तभी संभव है। आप जितने भी सज्जन विराजमान हैं आप भी अपने परिचितों को फोन कर दें, सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले फेसबुक व्हाट्सएप से इस सूचना को जारी कर दें कि शाम को आना है। माताएं बहने वैसे ही आधा घंटा थारी मारी करती, आज थारी मारी कैंसिल, सिर्फ मारी मारी कहो, आज के लिए सबको सूचना दो ताकि शाम को ये परिसर पूरा भरे और सबको लाभ मिले। जन्म से लेके मृत्यु तक की बहुत सारी बातें, अभी तो कुछ नहीं, पाँव में पूर्ण भी नहीं बताया,
चाहे विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले बच्चों को तो विशेष रूप से लाना, जो चीज 17 बार रट करके याद नहीं हो सकती वो 4 बार में बच्चा कंठस्थ कर सकता है। तोता रटाई का सिस्टम भारत में पहले नहीं था, आजकल बच्चे सुबह से शाम तक रट रहे फिर भी मानसिक अवसाद के शिकार हो रहे हैं। चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे बेटे की सगाई हो, बेटियों का बताया बेटों का बारे में, चाहे पारिवारिक झगड़े हैं, चाहे कोई तंत्र मंत्र से परेशान है, चाहे कोई टोने टोटके के चक्कर में पड़ के और अपने आप को लुटा रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवती गौ माता की कृपा से हर समस्या का समाधान होता है। शास्त्रों में लिखा भी है कि गाँव वह सर्वसुख प्रदाह, वो सभी दुख मिटाती है। तो जन्म से लेके मृत्यु तक, चाहे माताओं से जुड़ी बातें हो, किसी को 2-3 बेटियां हो गई, एक बेटा चाहिए तो भी गौ माता देती है, किसी को पहले रावण जैसा बेटा हो गया अब श्रवण चाहिए तो भी गौ माता देती है, किसी को पहले ऑपरेशन से बच्चा हुआ अब नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो भी गाय माता देती है। हर समस्या का सहज समाधान भगवती गौ माता के पास है। तो हम गौ माता की शरण लेकर के अपने दुखों को कैसे मिटा सकते हैं? शाम को 6:30 से लेकर के 8:30 तक, यानी कि 2 घंटे की कथा आपकी सेवा में रखेंगे। वैसे तो कथा खूब लंबी है, आप और सुनना चाहो तो आज तो खैर आते हैं सत्संग, इसलिए समय नहीं मिलेगा। बाकी कल से राणा पब्लिक स्कूल के पास में एक मैदान है, वहां पर 7 दिन की कथा चलेगी, शाम को 6:30 से 9:30 तक, 3-3 घंटे। पहले कथा गणेश डूंगरी में हुई थी, हो सकता है आप लोगों को जानकारी हो, वो उसका भाग एक था, अब भाग 2 कल से शुरू होगी। 1 साल पहले हुई थी वो कथा, अब इसी मौसम में सर्दी में वापस 12 महीने बाद उसका दूसरा खंड भाग 2 होना है, वो मोबाइल पर भी आएगी अगर आप सुनना चाहो तो। कल दिन में 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक 3-3 घंटे तक मोबाइल पे आएगी। मोबाइल पर सुनने का तरीका बता देता हूँ, प्ले स्टोर में जाकर के धेनु टीवी करके ऐप है उसको डाउनलोड कर दो। विश्व का पहला एकमात्र ऐसा मोबाइल चैनल जिसपे गौ माता के अलावा दूसरी कोई चीज आती नहीं। कथा आएगी तो भी गौ माता की, भजन आएंगे तो भी गौ माता के, फिल्म दिखाएंगे तो भी सिर्फ गौ माता की, कोई भी चर्चा होगी तो भी गौ माता की, डॉक्टर भी आएंगे तो गौ माता वाली चर्चा ही बताएंगे, कृषि वाला विषय चलेगा तो भी गौ माता का, अलावा गौ माता के कोई चीज उस पर नहीं आती है। और पैसा एक भी नहीं कटता है, बिल्कुल फ्री ऐप है, डाउनलोड करो और हमेशा देखो। आपका यहाँ का कार्यक्रम भी अभी पूरा देश देख रहा है, तो आप लोग पूरी कथा अगर सुनना चाहे तो वहां पधारना और 7 दिन की कथा सुनना। आपके अगर रिश्तेदार इर्द गिर्द देते हो तो मैं कुछ और एड्रेस भी दे दूं, बड़ू करके एक छोटा सा कस्बा है, वहां पर कल से कथा शुरू हुई है, वहां की गौशाला में शाम को 7:00 से 10:00 तक 3-3 घंटे कथा चल रही है, 6 दिन और चलेगी। बड़ू के आसपास रहने वाले रिश्तेदारों को सूचना करना वहां जाए। एक मनाना करके छोटा सा गाँव है, वहां पर परसों से कथा शुरू हुई है, 5 दिन और चलेगी, हनुमान जी के मंदिर के पास में, गौशाला के पास में हनुमान जी का मंदिर है वहां पर। तो शाम को 7:00 से 10:00 का समय है, वहां पर भी, वहां पर पधार करके भी आप सुन सकते हैं। एक कथा बड़ू के पास में लिमड़ी करके गांव है, वहां पर भी कल से शुरू हुई है, अभी 6 दिन और चलेगी। वहां आपके कोई रिश्तेदार हो आसपास में तो उनको भी भेजे कि भाई 7 दिन की कथा सुनो। और यहां पर तो शाम को 2 घंटा आप सबको सुनना ही सुनना है, अकेले नहीं सुनना है, पूरे परिवार के साथ सुनना है, सभी को सूचना देके सभी को बुलाना है और सभी को सुनाना है। मैंने जितनी भी बातें आपको निवेदन की थी, जो याद रही हो ठीक, नहीं तो पीछे कुछ किताबें मिल जाएगी, उनमें सारा विषय लिखा हुआ है, उसको पढ़ करके भी आप समझ सकते हैं। ये कलश शाम को वापस लाना है। अभी मैंने केवल साधारण सूत्रों का उच्चारण किया, जो तंत्र दोष निवारक, पितृ प्रेत दोष निवारक जो सूत्र है, जो नकारात्मक, 2 मिनट और बैठे, आरती से पहले खड़े नहीं हो कोई भी, एक व्यक्ति भी खड़ा होता है तो पूरा वातावरण बिगड़ जाता है, आपके लिए तो बैठा हूं मैं यहां, तो वो सारा का सारा जो विषय है कुछ सिद्ध सूत्रों से समाप्त होता है। ये जल आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, तो इसको वापस लाना है। जो नहीं लाए हैं कलश वो शाम को लेकर आए, जो नहीं आए हैं उनको भी कहना कि कलश जरूर लाए। किसी परिवार में माता बहन नहीं है तो पुरुष भी ला सकते हैं, कई प्रकार की समस्याओं का समाधान आपके लिए ये कलश करेगा। तो सभी लेकर के आना और खाली हाथ मत, ये धर्मस्थल है और गौ माता का स्थान है। कहते हैं कि सत्संग सुनने जब जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ न कुछ दक्षिणा देनी ही पड़ती है, नहीं तो सत्संग का फल नहीं मिलता। हमारे गुरुदेव की आज्ञा से हम तो न तो अन्न ले सकते हैं न धन ले सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ लगभग 600 गौ माता है ऐसा सुना मैंने गौशाला में, है ना, तो उनके लिए तो आप भोजन नहीं सकते। भाई गुड़ का कार्टून ले आओ, बांटे का कट्टा ले आओ, खड़ की बोरी ले आओ, बाजरे का कट्टा ले आओ, कोई कोई चीज लेके आना, महंगा नहीं पड़ेगा। आप देने में देरी करोगे लेकिन मैया करोड़ गुना करके लौटाने में देरी नहीं करेगी, ये विश्वास करना मेरे पर। जिसको ज्यादा दिया वो ज्यादा लाना, कम दिया वो कम लाना, कम दिया और ज्यादा लिया हो तो बच्चे क्या खाएंगे, और अधिक दिया और कम लाओगे तो भगवान सोचेंगे इसको देने में फायदा ही क्या। हाँ हाँ देखो
जैसी कैपेसिटी है उसके अनुसार काम करना ही चाहिए। तो सब कुछ न कुछ लेकर के ही आना, ज्यादा कंजूस हो तो एक मुट्ठी भी ले आना पड़ता है, पर यूनिक इस चक्कर में आओ ही नहीं कि कुछ न कुछ ले जाना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा भी लेके आना भाई, पर लाना जरूर और आना भी जरूर, दोनों ही बातें हैं। प्लास्टिक की थैली में मत लाना, जो कुछ भी लाना हो कपड़े के थैले में जाओ, बाल्टी में भर के लाओ, कट्टा भर के लाओ, बोरी भर के लाओ, पॉलीथीन में बिल्कुल भी मत लाना, क्योंकि आप जिस थैली में लाएंगे खाली होगी, फेंकेंगे, गौमाता खाएगी तो प्राण चले जाएंगे, पुण्य की जगह पाप में पड़ेंगे। इसलिए प्लास्टिक की थैली में तो लाना नहीं है, किसी अन्य चीज में लाना, जो भी वस्तु आपको लगेगी गाय माता के खाने के लिए अच्छी है वो जरूर आप लोग लेकर के आना, या कोई ट्रैक्टर खड़ा करवा देंगे उसमें आप डाल देना, वो गैया मैया जीम लेगी, आपको पुण्य मिल जाएगा। आरती करें उससे पहले आदरणीय महाराज जी से प्रार्थना करेंगे कि वो भी आशीर्वचन स्वरूप हमें दो शब्द प्रदान करें, उसके तुरंत बाद आरती होगी। सत्य राम दादू राम, दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवते, वंदनम सर्व साधुवा प्रणाम पारंग मंचस्थ विराजमान महाराज श्री विद्याधस्थल धाम के संत स्वामी सुखदेव दास जी महाराज एवं ग्राम विद्याद के एवं अन्यत्र दूसरी जगह से पधारे हुए सज्जन भी जो मेरी जानकारी में हैं अथवा तो नहीं हैं, माताएं बहनें सभी से मेरा सत्य राम दादू राम प्रणाम। सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को नमस्कार करते हुए महाराज जी की आज्ञा का पालन करने जा रहा हूँ। आज्ञा का पालन है, अगर अपने से बड़ा कोई भी गुणवान विद्वान विचारवान ज्ञानवान कोई भी कहे, इसमें उम्र आड़े नहीं आती। अपने से बड़ा उसी को कहा जाता है जिसमें कुछ विशेषता हो। उम्र तो बड़ी हो गई, 80 साल की हो गई, और बाबा जी कदे राम राम ही कौन करियो, कोई हो हाथ ऊंचो कर अभिवादन को निकलो जन वो कहीं काम दे। बड़प्पन उससे कहा जाता है जिसमें गुण बड़े हैं। तो इनकी आज्ञा का पालन करना अपना कर्तव्य मान करके, और मैं दो शब्द जैसे जानता हूँ, क्योंकि आप लोग तो मुझे जानते ही हैं, आप लोगों के बीच में पला बड़ा हूँ, आप लोगों के बीच में पूरा जीवन व्यतीत हुआ है, मेरे अंदर कोई विशेष कोई वो अच्छाइयाँ है नहीं, मैं तो एक साधारण सा जीव हूँ, और बाबा जी सुखराम दास जी महाराज के चरणों में श्री चरणों में पड़ा हूँ, गौ माता के श्री चरणों में पड़ा हूँ। भगवत कृपा हुई, गुरु कृपा हुई, 2006 विक्रम संवत कौन सी रही, 2006 की ना विक्रम संवत या कौन सी कहते हैं नहीं, ये जो अपने गौशाला का जो दिया था 2006 में, हाँ वो मैं इतना जानता नहीं हूँ विक्रम संवत थी या कौन सी, ये 2006 कौन सी थी जिसमें आप लोगों ने डूंगरी धाम पर गौशाला का निर्माण के लिए बहुत सुख मुहूर्त किया। उससे पहले गुरुदेव का आदेश हुआ था और बाबा जी सुखराम दास जी महाराज की कृपा से मेरे मन में ये सद्प्रेरणा हुई थी, भाई ये बाबा जी की जमीन पड़ी है और इसको आप सब लोग कहते हो कि ये जमीन किसकी है, ये जगह किसकी है, सुखराम बाबा की है? तो सुखराम बाबा की जगह या कोई परमार्थिक जगह, गौचर की जगह या सार्वजनिक जगह, ये किसकी होती है, राम राज और समाज। ये मेरा मानना है, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, ज़्यादा कुछ कोई ज्ञानी नहीं हूँ, ये मेरा मानना है। तो आप लोगों के जो है दिलों में बैठे परमात्माओं से मैंने प्रार्थना की, हाथाजोड़ी की, और प्रयास प्रयत्न मेरा भी रहा, आप लोगों का भी रहा, और आप लोगों ने बड़ा ये पुण्य का कार्य किया, पुनीत कार्य किया कि मोरेड़ विद्याद के सभी भक्तों ने मिलकर के उस गौशाला का वो मुहूर्त किया और गौशाला को बनाया, बहुत अच्छी तरह से चलती आ रही है। और आगे भी मुझे आप लोगों से उम्मीद ही नहीं, मुझे ग्रामवासियों से, गांव राम से, बस्ती माता से और बाबा जी के मेरे सभी प्यारे प्यारे भक्तों से ये पूर्णतया उम्मीद है, नहीं कि विश्वास है। उम्मीद तो कभी फेल हो जाती है, विश्वास अडिग और अडोल रहता है, है? भाई बादला होगा प्रसाद कृपा की उम्मीद लिया बैठिया, बरसे कोनी बरसे और कटे नहीं जानता रहे, लेकिन विश्वास एक ऐसी चीज है कि वो काम तो होशी
तो वो होवेलो ही, क्योंकि विश्वास के साथ में परमात्मा है, विश्वास के साथ में धर्मात्मा है, विश्वास के साथ में सभी आदरणीय है और विश्वास के साथ में सब कुछ है। विश्वास अडोल अडिग होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्णतया रूप से विश्वास है कि आप सभी भक्तजन मिलकर के और जो महात्मा जी ने आपको सुंदर सुंदर प्रवचनों में और शास्त्र के प्रमाणों के साथ में गौ सेवा का जो मूल मंत्र बताया उसका पालन करेंगे और इस गौशाला को आगे बढ़ाते हुए गौ सेवा करेंगे, यही सब आप लोगों से मुझे विश्वास है, यही उम्मीद है और यही मैं बाबा जी सुखराम बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सभी प्रकार की राजनीति से हटकर, सभी प्रकार की जातियों से हटकर, सभी प्रकार के जो ऊंच नीच और मारा थारा जगह अपम घुसोड़ा है, ईर्ष्या का भाव घुसोड़ा है, गरीबी अमीरी का घुसोड़ा है, सकला दुर्विचारा हूँ हटकर के और गौ माता को गौ माता मानते हुए आप संपूर्ण ग्रामवासी मेरे ऊपर कृपा करेंगे यानी गौ सेवा करेंगे, गौशाला को पूर्णतया रूप से अच्छी तरह से चलाएंगे। बोलो गौ माता की जय, सुखराम बाबा की जय। मेरे शब्दों में अगर कोई त्रुटि हो तो भाई रहते ही माफी कर दीजिए, वो बोझ घर लेर मत जाइयो था कोई डाबर नहीं। सतराम का एक जोड़े को कार्यकर्ता आगे ले आए, आप यथासंभव सिर पर कोई कपड़ा हो तो फेंटा बांध दे, बहने भी चुंदरी ओढ़ ले। आरती के समय पुरुषों की पगड़ी और माताओं की चुंदरी का विधान होता है तो जो हो वो इस्तेमाल कर ले। ये जो कलश है आप अपने स्थान पर ही कलश से जल की आरती करें माताएं और अपने स्थान पर खड़ी हो जाएं, आगे कोई नहीं बढ़े, जहां है सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए। दुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की जहां से प्रकट भई सृष्टि, करे नित पंच गर्भ भ्रष्टि, सकल पर रखती सम दृष्टि, जीवन में रंग जीने का ढंग बताती बात बधैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की तुम्ही हो अमृत की नाभि, शमन करती हो विषता भी, तुम्हारी मूरत ममता की, तुम्हारी झलक रहे ना अलग, चले पथ नाग नथैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की तुम्ही से संभव है खेती, सभी के दुखड़े हर देती, सभी कर आनंद कर देती, तुम्हारा भव्य बनावे भव्य, दिव्यता आवे हैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की भागवत गान तुम्ही करती, तुम्ही दुखियों के दुख हरती, तुम्ही से सुखी है ये धरती, तुम्ही हो संत करो दुख अंत, शरण वे तरनिख भैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव शर्व मम देवदेव। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं, हरि राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जय जय गो माता, जय जय गुरुदाता, जय जय गो माता, जय जय गुरुदाता, जय जय गो माता, जय जय। बोलिए गो माता की, नंदी बाबा की, सतगुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सकल गौ भक्त देवी देवताओं की, लालू दयाल जी महाराज की, सुखराम जी महाराज की, बस्ती नगर की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव।